के ऊपर हो जाइए शुरू। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा तो मैं कुछ डिफिकल्ट लाया नहीं हूं भाई, कर लोगे सारे। चलिए गुड मॉर्निंग राधिका। एटोमिस इज आस्किंग, सर ये वाले क्वेश्चंस एमपी सेट में भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, क्यों नहीं आ सकते। क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे के ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, बट कॉन्सेप्ट 100% आपको दिखेंगे। यही तो होता है ना भाई एग्जाम्स में। अब क्वेश्चंस तो रिपीट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस तो वो लोग बनाते हैं, तो एग्जाम्स नहीं दिखेंगे वैसे के वैसे, बट कॉन्सेप्ट 100% होगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये शेप के ऊपर क्वेश्चन है, अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा कि यही चार ऑप्शन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। बट हाँ, क्वेश्चन ऐसे दिख सकता है कौन सा ट्रायगोनल पिरामिड है, लेकिन ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, कुछ और मॉलिक्यूल्स डाल देंगे, बट कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए हो जाइए शुरू। काफी लोगों ने आंसर्स दे दिए यहाँ पर। शीतल ने आंसर दे दिया है, प्रेमलता इज सेइंग सी, राधिका इज सेइंग डी। ओके okay. चलिए सॉल्व करना है भाई, सिर्फ स्क्रीन को देखकर आंसर देने की कोशिश मत करो। मुझे पता है काफी लोग सिर्फ सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये गलत बात है। एक पेज और पेन लेकर बैठिए, क्या ही फर्क पड़ता है, बैठे बैठे सॉल्व करो, बाकी कुछ तो आपको लिखना नहीं है। चलिए काफी मिक्स आंसर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, सी डी सी डी। ठीक है देखते, चलिए 2 मिनट तो आई थिंक खत्म हो चुके हैं, आई थिंक इतना टाइम तो इनफ है इस क्वेश्चन को। यस और क्या पूछा है, द स्पीशीज हैविंग ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। अब सबसे पहले ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता कैसे? यस ये होता है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, इसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। और यहां पर होगी आपकी लोन पेयर। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले लेते हैं एनओ थ्री माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट 5 + 1, तो ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि sp2 है ये ट्राइगोनल प्लेनर। जब भी ट्राइगोनल प्लेनर आता है sp2, तो वो तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप तो बिल्कुल देगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। सेम सेकेंड का देखते हैं, सीओ थ्री टू माइनस। अगर कंफ्यूजन है तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये फॉर्मूले को फॉलो कीजिए भाई, आपके आंसर सही आने वाले हैं। डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे तो 100% गलत करोगे। वापस से 3 आ रहा है आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर, sp2 है, तो ये भी आपका क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो क्या ये ट्राइगोनल पिरामिडल है? नहीं है, तो बी भी गया। अब देखते हैं BrF3। अब जिन्होंने BrF3 दिया है ना आंसर, उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ देखकर निकाला है। 1/2 ब्रोमीन हेलोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के हैं 3, तो ये हो जाएंगे आपके 10/2 इजिकल्स टू 5, तो ये आपका TBP है। क्या TBP में कभी भी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनता है? क्या नहीं बनता है ना? यस, जब भी आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और एक सेंट्रल मेटल एटम है, तो आपके टीबीपी में टी शेप बनता है। कौन सा बनता है? टी शेप। कई बार मैंने यूट्यूब पे सेशंस भी लिए हैं इसके, फ्लोरीन फ्लोरीन यहां पर आएगा फ्लोरीन, तो ये कौन सा है? टी शेप है, ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप नहीं है, तो ये भी गया। अब डी कौन सा है? SO3 2 माइनस, इसको देखेंगे भाई कहां करूं मैं सॉल्व, यहां पर करता हूं। 1/2 सल्फर आपको पता है ऑक्सीजन के फैमिली का है, तो 6 + 2 हो जाएगा, तो 8/2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि sp3 टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन अब ज्योमेट्री है टेट्राहाइड्रल, अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। सो 1 2 3 4 5 6, 2 माइनस है तो 7 और 8, तो एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और एक आपकी लोन पेयर,
जब तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का जब ये बनता है तो क्या होता है, वो ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है। इसका शेप कैसे आएगा आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आ जाएगा इसका शेप। क्लियर, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है आपका द आंसर। कुछ डाउट है? लेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन की भी क्वेश्चंस लेंगे, कल मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही लेने वाला हूँ। आज के सेशन में भी आपको कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चंस तो आप गलतियां मत करो कि क्या क्वेश्चन था, इजी तो क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो आग बंद करके आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे 100% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे, हो जाइए शुरू। वापस मैं कह रहा हूं, सिर्फ स्क्रीन को देखकर आंसर देने की कोशिश मत करो, हाथ में पेन उठाओ, बुक लेकर बैठो और सॉल्व करना शुरू करो। अच्छा वो दिख नहीं रहा है क्या? हाँ ओके ओके, आप देखो। बताइए आंसर। वैष्णवी आस्किंग सर, एन ओ थ्री माइनस में कैलकुलेशन करता ना ओ थ्री ना ही घायचा, कौन से कैलकुलेशन की बात कर रहे हो आप वैष्णवी? ऑक्सीजन नहीं पकड़ते, वो एक डायटोमिक है ना, हम सिर्फ मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वैष्णवी, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। तो लेके आया भाई आंसर, आई थिंक टाइम हो चुका है, टाइमर तो मैंने बंद कर दिया। चलिए एक आपको स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, वैसे इसकी ज्योमेट्री पूछिए अराउंड द सल्फर एटम। चलिए आई थिंक इतना टाइम इनफ है। देखिए सल्फर CF2 CH3 4 है, राइट। गुड मॉर्निंग डॉक्टर भावेश, गुड मॉर्निंग। चलिए फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, 1/2 इंटू ब्रैकेट, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के फैमिली का है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर ओ स्टाइल से पॉलिश से हम करते हैं ना सल्फर, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अंकिता कदमी सिंह, TBP होगा शायद, तो शायद क्यों लगा रहे हो भाई, आपने कहा है तो सही होगा। चलिए हाफ इंटू ब्रैकेट, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 है, CH3 दिया है, एक मोनोवैलेंट है, यस और नो, CH3 कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये आपका मोनोवैलेंट है, और CF2 कैसे होगा, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, दो शेयर करेगा तो ये डायवैलेंट है। तो कभी भी फॉर्मूले में हम डायवैलेंट लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं ना, सिर्फ मोनोवैलेंट को कंसिडर करते हैं।
तो 6 + 4 आ जाएगा, तो ये 10/2 = 5, और जब भी 5 आता है तो ये क्या होता है आपका sp3d, यानी कि पीवीपी ज्योमेट्री। बराबर है, पीवीपी ज्योमेट्री होगी ना, यस और नो? यस। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, ये सल्फर CH3 CH3, और ये आपका CF2। अब कुछ डाउट है भाई इस क्वेश्चन में? तो CF2 में गड़बड़ हो सकती है, बट ध्यान रखना वो डायवेलेंट है, ठीक है? आपको पता है कार्बन वैलेंसी 4 होती है भाई, 4 बॉन्ड्स बनाता है, CF2 में 2 ही बॉन्ड बने हैं तो बाकी के 2 बॉन्ड बनेंगे, तो डायवेलेंट हो जाएगा। इस फॉर्मूले तो हम डायवेलेंट तो पकड़ते नहीं है, सिर्फ मोनोवेलेंट को पकड़ते हैं, यस और नो? सर मैं BSc ड्रॉप आउट हूँ, सेट दे सकता क्या? अभी तो नहीं दे सकते, फॉर्म्स वगैरह सब हो चुके हैं, तो अगले वाला दे दो सर। एस फाइल क्या होता है, कहाँ लिखा है मैंने एस फाइल? चलिए तो कौन सा आया इसका, ईबीपी आ चुका है, आई होप कुछ डाउट नहीं होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाइए शुरू। क्या आ रहा है वैसे आंसर इसका? नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स, BDDDD, ओके चलिए सॉल्व करके ही चीजें समझ में आ जाएगी, देखते हैं। SO2 दिया है, वापस से वही करेंगे 1/2 सल्फर 6, ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डायवेलेंट है, 3 आ जाएगा, यानी कि आपका sp2 है। यहां तक तो आपने किया होगा, ठीक है? तो ये तो हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पेयर, इसका मतलब शेप क्या होगा इसका, वी शेप होगा, यस और नो? ऐसे वी शेप दिखेगा आपको, एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है? यहां तक तो किया होगा आपने। अब थोड़ा सा ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन से आंसर आ सकता है। देखिए सिग्मा और पाए तो हमें पता है, 2 सिग्मा है 2 पाए है, बराबर?
दो सिग्मा है, दो पाए है, तो ए तो गया, सी तो गया, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब मुझे पता है काफी लोग यहां पर फंसेंगे, या यहां पर उन्होंने क्या बोला है, लोन पेयर्स पूछे हैं, लेकिन उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम बोला नहीं है। उन्होंने अगर सेंट्रल मेटल एटम बोलते स्पेसिफिकली तो आपका आंसर वन आता, बट यहां पर आपका आंसर डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। पांच लोन पेयर आएंगे, उसमें आपको ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे। आपके ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, तो 2, 4 एंड 1, 5, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आने वाला है सही आंसर। क्लियर है? क्लियर? तो एक बार देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। अगर सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं तो क्लियरली मेंशन करेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अंकिता जी कह रहे हैं सर जो आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का भी लेक्चर था बहुत हेल्पफुल, बिग फैन ऑफ योर टीचिंग सर। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। क्लियर है ना क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे फंसना नहीं है। चलिए, मुझे पता था काफी लोगों ने यहां पर डी ही ऑप्शन दिया होगा, बट एक बार पूरे मॉलिक्यूल को अच्छे से देखना है और लोन पेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला। चलिए हो जाइए शुरू। आई थिंक टाइमर की वजह से नहीं दिखेगा। चलिए क्या आया आंसर? सर आप रोज क्लासेस होंगी? जी हाँ बिल्कुल, अभी तो रोज सेशन होंगे हमारे, एग्जाम मैपिंग के 9 बजे से मैं ही शुरू करने वाला हूँ हर रोज। चलिए, काफी लोगों ने दिया है आंसर। यस, इजी है ना ये क्वेश्चन? क्या पूछा है? एल इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 4, तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
और ये आपका एज्यूमिटल क्वांटम नंबर है, राइट। एन इज इक्वल्स टू फोर, एन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल इज इक्वल्स टू थ्री है, तो ये हो जाता है आपका एज्यूमिटल क्वांटम नंबर। ये सर जब आपका एल जीरो होता है तो ये होता है एस ऑर्बिट, एस सबशेल, एल वन है तो ये होती है पी सबशेल, एल इज इक्वल्स टू टू होता है तो ये होता है आपका डी सबशेल, और जो आपका एल इज इक्वल्स टू थ्री होता है तो इसको हम बोलते हैं एफ सबशेल। ये सर तो क्या आ जाएगा, ये आपका 4f बन रहा है, तो 4f में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए आएगा डायरेक्टली 14। ये सर नो, 1 2 3 4 5 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन था तो देख सकते हो आप सेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए हो जाए शुरू। जनरल एप्टीट्यूड के सेशंस कब स्टार्ट होंगे, होंगे होंगे शोविक सर है जो आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी लेकर। चलिए 3 3 1 केमोफोलिक इज सेइंग 2, शिवम इज सेइंग 3, समृद्धि इज सेइंग ऑप्शन नंबर बी। ओके, रिस्क एडिटर ने अपना आंसर चेंज किया है, 2 होगा कह रहे। क्या आ रहा है भाई आंसर फाइनल बताइए। चलिए आई थिंक इतना टाइम इनफ है, चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इजी है लेकिन डिफिकल्ट तो है नहीं भाई। देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया है OH2, यस और नो, ये आपको पता है sp3 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल होता है ज्योमेट्री, और इसका जो शेप है वो है आपका वी शेप। ये चीजें तो आपने की होगी। अब उन्होंने क्या कहा, इसका मैं कर दूंगा प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन का मतलब इसमें डालो H+, जब H+ डालोगे तो ये क्या बनेगा आपका H3O+ बनेगा ना, जब ये आपकी लोन पेयर देगा तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, राइट। अब इसका करते हैं ड्रॉ, कैसे करेंगे, ऑक्सीजन आपको पता है 1 2 3 4 5, एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, हाइड्रोजन 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 लोन पेयर, करेक्ट। तो ये क्या होगा, एक नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वापस से, इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री ही रह रही है, लेकिन अब शेप क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन
यहाँ पर हाइड्रोजन और एक लोन पेयर और ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो जो आपका शेप है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपका शेप था वी शेप, अब यहाँ पर जाकर क्या हो चुका है, पिरामिडल शेप हो चुका है। कौन सा शेप है ये आपका, पिरामिडल। क्लियर है, पिरामिडल शेप है। तो कौन सा आएगा ऑप्शन, टेट्राहाइड्रल टू, टेट्राहाइड्रल नहीं, वी शेप टू पिरामिडल जा रहा है ना, यस और नो। तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आपका चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यस और नो, क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें। चलिए आई होप कुछ डाउट नहीं होगा, ऐसे ही आएगा और क्या ही करेंगे आप इसमें, यस और नो, ठीक है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, अगर गलती हुई तो, बट किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड है या एग्जाम में एक्सपेक्टेड है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए हो जाए शुरू, एक इजी क्वेश्चन आपके लिए है। अब ये तो सबने देना चाहिए भाई, इसमें तो कुछ गलती मत करो प्लीज। अगर क्वेश्चंस में मजा आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए भाई दोस्तों के साथ। चलिए ये तो एकदम लुल्लू टाइप का क्वेश्चन है, वैसे सबने ये आना देना ही चाहिए। चलिए हाँ, क्या है ये आपका, 90 डिग्री जब आता है तब क्या बोलते हैं हम, ड्रैगोस ना। ड्रैगोस होता है, तो कौन सा है ड्रैगोस, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, डायरेक्टली ड्रैगोस मॉलिक्यूल। क्या होती है ड्रैगोस मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन, आपका थर्ड पीरियड या उससे नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम सेकंड पीरियड का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आपकी लोन पेयर होनी चाहिए और सराउंडिंग एटम्स आपके हाइड्रोजन होने चाहिए, तो वो बनेगा आपका ड्रैगोस मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली सी ही आएगा इसका, सी के अलावा तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। अरे ड्रैगन्स मॉलिक्यूल नहीं होता, ड्रैगोस मॉलिक्यूल होता है ये। चले चलिए हो जाइए शुरू। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। चलिए इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए सबका आंसर। मंजू सेइंग सी, रेड पीसी सेइंग डी, ओके। क्या आएगा,
बाकी के लोग भी आंसर दीजिए, सिर्फ स्क्रीन को देखिए मत, आना चाहिए आंसर, 2 मिनट काफी है इस क्वेश्चन के लिए। ये सर नो, एलिमिनेशन मेथड से जाइए, आ जाएगा आंसर। क्या ये इसमें पहला तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे, ये सर नो, ये क्या है आपका Zn2+ है, तो ये तो आपका 3D10 होता है भाई, और 3D10 तो ऑब्वियसली आपका डायमैग्नेटिक होगा, बराबर, तो ये तो नहीं आएगा। इन दोनों को लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाला डी वाला देखते हैं पहले। वैनेडियम 2+ क्या होता है, D3 होता है ना वैनेडियम 2+, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, तो यहां तो डायमैग्नेटिक दिया है, तो ये भी कट हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, यहां पर भी है CO3+ और इसमें भी है आपका CO3+। अब एक चीज में हमेशा बोलता हूं, एवरी लिगेंड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ CO3+ एक्सेप्ट हैलोजन। इस लाइन को ठीक है, इस लाइन सेंटेंस को आप नो आपके नोट्स में मेंशन कीजिए, क्या एवरी लिगेंड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ CO3+ एक्सेप्ट हैलोजन्स। अब बी वाला देखिए, NH3 है, NH3 भी यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा, तो CO3+ क्या होता है, 3D6, एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सी में आपका फ्लोरीन है, एक हेलोजन है, तो हेलोजन के साथ वो कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं दिखाएगा, एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक है, तो ऑप्शन नंबर सी गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर आया है सबका भी? ये ओ मारिया ने क्या लिखा है भाई, दो नैनो के पेचीदा। ये लिरिक्स क्यों लिखे हैं यहां पर गाने के? अच्छा क्या गाऊं मैं ये गाना? चलिए, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू IFAS। कैसे हैं तुम्हें सर्व? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन। गाइस, MHS 2024 ला टारगेट करता है, तर तुमच्या एग्जामिनेशन साठी तुमच्याकडे फक्त 7 ते 8 दिवस आहेत। 7 एप्रिल ला आपली एग्जामिनेशन होणार आहे, तर ह्या एग्जामिनेशन ला आणखी बेटर बनवण्यासाठी, तुमचं प्रिपरेशन आणखी बेटर बनवण्यासाठी IFAS ने तुमच्या सर्वांसाठी एक खूप छान अपॉर्च्युनिटी आणली आहे, ज्या अपॉर्च्युनिटीनं तुमचं इथं प्रिपरेशन आणखी बेटर होणार आहे। तर गाईज, ही अपॉर्च्युनिटी एकदम पॉकेट फ्रेंडली प्राइस मध्ये आहे। आजकाल तर चॉकलेट पण 1 रुपयामध्ये मिळत नाही आणि तुमचं प्रिपरेशन इथं बेटर होत आहे 1 रुपयामध्ये। तर गाईज, टेस्ट सिरीज आहे MHS 2024 साठी ॲट जस्ट ₹1 ओनली, फक्त 1 रुपयामध्ये ही टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहे तुम्हा सर्वांसाठी। तर आत्ताच तुम्ही IFASonline.com आमच्या ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट करा, तुमचं प्रिपरेशन आणखी बेटर बनवण्यासाठी, कारण ह्या लास्टच्या वेळी, ह्या काही दिवसांमध्ये, शेवटच्या दिवसांमध्ये एक्झामच्या, तुमच्यासाठी फक्त प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिस महत्त्वाची आहे। तर ह्या टेस्ट सिरीजनं तुमची प्रॅक्टिस होणार आहे, तर तुम्हाला इथे जरूर ह्या टेस्ट सिरीजला परचेस करायचंय फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाईट IFASonline.com। आत्ताच व्हिजिट करा, रजिस्टर करा आणि ह्या टेस्ट सिरीजसाठी एनरोल करा। आणि ही टेस्ट सिरीज तुम्हाला फक्त 1 रुपयांमध्ये मिळणार आहे। तर MHSETचं प्रिपरेशन साठी IFAS म्हणजे महाराष्ट्राचा विश्वास झाला इथे, आणि हे प्रिपरेशन तुमचं होणार आहे आणखी बेटर। गाईज, तुम्ही पण ह्या टॉपर्सच्या जागी तुमचा फोटो पाहू शकता। तुम्ही ह्या टेस्ट सिरीजसाठी जरूर एनरोल करा आणि अपकमिंग एक्झामिनेशनसाठी प्रिपेअर करा। ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम्स प्रिपरेशन। तुम्हाला ह्या रिगार्डिंग काहीही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये जरूर विचारू शकता। थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट। कमले यार,
वैसे काफी इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए आंसर सबका। अंकिता जी आस्किंग अरिजीत सिंह का कौन सा सॉन्ग है ये? अरे ये वे कमलिया सॉन्ग है। चलिए, पैरामैग्नेटिक है और टेट्राहेड्रल भी है, कौन सा होगा फिर? सबका ही आना चाहिए। चलिए, ये क्या है आपका? Ni2+, 3D8 साइनाइड दिया है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा ये? आपका स्क्वायर प्लेनर दिखाता है, ये भी सेम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर होगा और डायमैग्नेटिक होगा। यहां पर ये तो आपका टेट्राहेड्रल होगा ही नहीं, ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, तीन लिगेंड है ना, बाइडेंटेट लिगेंड। यहां पर सीएल, यहां पर सीएल, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। NiCl4 होगा आपका पैरामैग्नेटिक Ni2+, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, 4S0 3D8, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही आंसर। आई होप सबका आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए वापस एक इजी क्वेश्चन है, तो काफी इजी क्वेश्चन लाया हूं मैं आज, इसको तो आपको ऑप्शंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आएगा दीजिए फटाक से आंसर। ठीक बी आएगा ना, बिल्कुल। आपको पता है 4D और 5D होते हैं, ये हमेशा क्या दिखाते हैं? स्क्वायर प्लेनर ही तो दिखाते हैं। तो ये किसके नीचे है भाई? Ni3D पीछे है ना, तो ऑब्वियसली प्लैटिनम, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर आपका NH3, तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। चलिए, काफी टाइम पास क्वेश्चन था, इसमें और क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ, कुछ है भी नहीं। चलिए हो जाइए शुरू।
कौन सा आ रहा है फिर आंसर? ये है आपका 3D3, ये है आपका 3D5, ये है आपका 3D8, और ये हो जाएगा आपका 3D9। तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब पास से तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, एन इज इक्वल्स टू 5 है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आएगा यहाँ पर सही आंसर। यस और नो? ठीक है, तो अराउंड कितना होता है अगर 5 होते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5.9 बोर मैग्नेटॉन के ऊपर आ जाएगा आपका। ओ मारिया सिंह सर, मेरा इंटरव्यू है 3 में IIT रुड़की का, मुझे ये पूछना था कि ऑर्गेनिक में जाना है तो क्या क्वेश्चन ऑर्गेनिक ही पूछे जाएगा या सास पूछे जाएगा या सबसे? किस चीज़ का इंटरव्यू है भाई? PhD के लिए? चलिए बी ही आ रहा है इसका, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हो जाइए शुरू, इजी है काफी, ये भी काफी यहाँ पर आपके बेसिक्स चेक हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और ऐसा तो दिमाग में रखिए मत कि सब डिफिकल्ट ही चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा PhD का ही है ना? हाँ मोस्टली तो ऑर्गेनिक, आपका ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है तो ऑर्गेनिक के ऊपर ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछेंगे। आपने ऑर्गेनिक के लिए बोला है PhD का, तो जो बेसिक बेसिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा मैं कहूँगा ज़्यादा पढ़ के जाइए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। स्पेक्ट्रा को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इंटरव्यूज में, और पूछते ही पूछते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर वैल्यूज वगैरह, छोटी छोटी जो चीजें होती है बेसिक वाली उसके ऊपर पूछेंगे। चलिए क्या आएगा? यस, ये आपका क्या है, एक ही फैमिली का है ना, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम। तो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, 3D, ये आपका 4D और ये आपका 5D। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो IR वाला सबसे आगे आ जाएगा, फिर आपका रोडियम वाला आ जाएगा, और एट द एंड आपका कोबाल्ट आ जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी आपकी IR में लगेगी, तो कौन सा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलो, ये तो इजी था वैसे, कुछ था ही नहीं इसमें। देखिए हो जाए शुरू,
गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग किशोर। अच्छा किशोर है क्या हमारे? ओके okay. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, वैसे भी डी है ना इसका आंसर? बिल्कुल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीएफसी पूछा है, ऑप्शन तो डी ही आएगा, ऊपर से लो स्पिन है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर है आपका T2G, यहां पर है आपका EG, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? -0.4 × 6, तो कितना होगा ये? -2.4 इज इक्वल टू 24 dQ आ जाएगा। तो मैक्सिमम बोला है तो इससे ज्यादा तो किसी का होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका सही आंसर। चलिए चलिए क्या आ रहा है इसका आंसर? डी डी चलिए, भले ही सारे पता नहीं होंगे ना तो भी चल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो MnO4 माइनस में आप चीज फंसोगे, बट NO2 माइनस और SO2 का तो निकाल ही सकते हो वैसे भी, ये सर रहो, तो वहां से तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए SO2 है यहां पर, SO2 के लिए क्या होगा? 1/2 × 6 करो तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि SP2 होगा। ऑप्शन तो आपका यही यही से आने वाला है, फिर भी सारे चेक करते हैं। NO2 माइनस 1/2, 5+1 वापस से 6/2, तो ये 3, तो ये भी SP2 होगा। ठीक है, आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शंस ने सही इस चीजें इजी की थी। अब ये जो MnO4 माइनस होता है ना, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी Mn+7, 4s0 3d0 हो जाएगा ये। और इसका जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है ना, वो होता है SD3, ध्यान रखना। ठीक है, SD3, जब भी आपके डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आपका कोई एक उसको पाई डोनर है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन SD3 आता है, SP3 नहीं होता है, तो ध्यान रखना SD3 आएगा इसका सही आंसर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आने वाला है, SD3। बाकी के तो कट, वैसे ही ऑप्शंस के थ्रू आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली ला सकते हैं इसका आंसर, इसका कुछ इतना था भी नहीं। क्लियर? सुरेश कुमार सर, लाइक एंड शेयर ठोको दोस्तों अवधूत सर के लिए। जी हाँ बिल्कुल भाई, सर भी आएंगे आपके लेक्चर्स लेने के लिए सुरेश सर। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? आई होप कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाए शुरू।
क्या आ रहा है आंसर? आई थिंक सी और डी ऑप्शन सेम ही हो चुके हैं। अच्छा तो इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है वैसे आंसर तो निकाल लोगे। आना चाहिए आंसर। यस क्या है देखिए, एक डी फोर मेटल आयन है हमारे पास। चलिए डी फोर यानी कि आपका क्रोमियम के ऊपर प्लस टू चार्ज हो सकता है मान के चलते, उससे कुछ हमें ये नहीं है। अब पेयरिंग एनर्जी है आपकी, पी का मतलब क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी बराबर। और डेल्टा नॉट तो स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग मतलब ये टी टू जी और ई जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। अब जब डेल्टा नॉट कम होगा आपके पेयरिंग एनर्जी में, यानी कि ये जो डिस्टेंस है या ये जो स्प्लिटिंग है वो अगर छोटी होगी तो वहां पर हाई स्पिन में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि ईजी में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा ना फोर्थ वाला। तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 और 4 ये तो ऊपर गया फिर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां से सही आ जाएगा। करेक्ट। अगर ये उल्टा देते फॉर एग्जाम्पल, ये अगर कहते डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, यानी कि ये जो स्प्लिटिंग है अब बहुत ज्यादा है। अब ये जो स्प्लिटिंग की है डिफरेंस एनर्जी गैप का बहुत ज्यादा है, ये आपका टी टू जी लेवल ये आपका ई जी लेवल, तो यहां पर फिर क्या हो जाता? फिर यहां पर ऊपर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं टी टू जी टू ई जी, क्योंकि अब एनर्जी गैप बढ़ चुका है, स्प्लिटिंग बढ़ चुकी है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो ये क्या होगा फिर आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, यानी कि ये फिर आपका टी टू जी फोर हो जाता। बट यहां पर केस कौन सा था आपका? डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बाकी के तो कट हो जाएंगे। करेक्ट। कुछ डाउट है? यस चलिए अब देखते हैं आगे। हो जाए शुरू। वैष्णवी इज सेइंग नहीं समझ लो। नहीं समझा भाई, वापस से एक्सप्लेन करना है क्या लास्ट वाला? यस वैष्णवी, ओके इस क्वेश्चन के बाद वापस से एक बार देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए इसका क्या आएगा 15th का? डी आ जाएगा। ये सर नो, यहाँ पर तो एक डायरेक्टली आपकी एक डायग्राम होती है, ये तो डायग्राम आपने सबने देखी होगी, एक ग्राफ होता है, ग्राफ से इसका आंसर आ जाता है। ये ग्राफ सबने देखा होगा जिन्होंने भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है, आई एम प्रीटी श्योर।
यहां पर होता है आपका Ca2+, यहां पर होता है आपका Mn2+, और यहां पर होता है आपका Zn2+, यहां पर होता है आपका Ni2+, यहां पर आएगा Cu2+, कैल्शियम, यहां पर आएगा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर यहाँ पर आपका क्रोमियम, फिर आपका Fe2+, और कौन सा बचा आपका कोबाल्ट, Co2+। तो ये डायग्राम होती है, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है। तो किसके बीच में कंपेरिजन है, Zn, Mn और Ca। तो आपका Zn यहां पर है, आपका Mn यहां पर है, और आपका Ca यहां पर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना, Zn2+, Mn2+ और Ca2+। यस और नो? अगर ये डायग्राम नहीं है आपके नोट्स में तो जरूर निकले, क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, कई बार पूछते हैं, और इजी है, कुछ भी नहीं घुमा फिरा कर कुछ भी बोलेंगे। इस डायग्राम को निकाल लो, तीन या चार आपके पास एलिमेंट्स दिए होंगे आपके क्वेश्चन में, उनको सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है? चलिए, हाँ, अब ये जो लास्ट वाला डाउट था वो एक बार देखते हैं फटाक से। अब ये जो डेल्टा नॉट होता है ना, देखिए वैष्णवी, डेल्टा नॉट क्या बोलते हैं हम? यस, डेल्टा नॉट जो होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग होती है आपके T2G और EG लेवल के बीच में, बराबर, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है और ये आपकी डेल्टा नॉट है। अब अगर आपका डेल्टा नॉट ज्यादा हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से, इसका मतलब ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन T2G2 EG लेवल में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेड स्प्लिटिंग इतनी है, बट अब वो इतनी हो चुकी है, तो T2G2 EG लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बट वही अगर मैं उल्टा केस लेता हूं, डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब अब ये जो एनर्जी है वो बहुत कम लगेगी, यानी कि अब ये एनर्जी गैप इतना सही है, अब इजीली इलेक्ट्रॉन आपका T2G2 EG लेवल में जंप कर सकता है, तो अब करेगा तो ये आपका एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखेगा, सो नो पेयरिंग, तो ये आपका हाई स्पिन होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया था D4 का, तो चार इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास पहला वाला केस होता, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो यहां पर क्या होगा फिर आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो सारे आपके T2G में आ जाते, सारे आपके T2G में ही आ जाते। बट यहां पर हमारे पास केस क्या है, डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो ऑब्वियसली एक ऊपर जाएगा, 1, 2, 3 और 4, करेक्ट, ये एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है, तो ये तो केस नहीं बनता बी। और ये भी देखो T2G4 EG0, चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक्चुअल में सेम ऑप्शंस हुए हैं। अब डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी बोली है, इसका मतलब हाई स्पिन होगा, सो 1, 2, 3, 4, तो ये भी ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन ये भी गलत है, तो ये तो सेम हो चुके हैं ऑप्शंस, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। चलिए, आई होप अब तो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही, एक बार पढ़ी इन चीजों को, इजी चीजें हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। चलिए बताइए 16th क्वेश्चन। विजेंद्र सिंह, मैं ही अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहा, 4 टाइम एग्जाम अटेम्प्ट कर चुका हूँ, 10 टाइम रिवीजन कर चुका हूँ, फिर भी ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को आपको बार बार अप्रोच करने की आदत लगानी पड़ेगी, ठीक है? और हो जाएगा, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा भाई, हो ही जाएगा, रिवाइज करते रहना है क्वेश्चंस को,
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग केम पैसिफिक। चलिए आई थिंक कि जीरो है तो उसकी कुछ ना कुछ तो सीएफएसी होगी ना, कुछ ना कुछ तो सीएफएसी आपकी होगी, तो ये वैल्यू क्या आती है, सो 1, 2, 3, 4। इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, -0.4 × 3 +0.6 × 1, करेक्ट। तो ये कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ की है क्या, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, ये Cr+3 है ना, ये 3d3 हो जाएगा। हाँ तो अब इतना ही आ जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, -0.4 × 3 हो जाएगा, राइट। वही मैं कहूँ ऐसा क्यों आ रहा, हाँ तो ये 12 dq हो जाएगा। अब जब आपकी ऑक्टाहाइड्रल वाले की वैल्यू ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू टेट्राहाइड्रल, तो क्या होता है फिर, ये आपका नॉर्मल स्पाइनल हो जाता है। ये सब लोग अब आप ढूंढोगे 12 dq कहाँ है यहाँ पर, तो 12 dq तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, तो क्या बोला है उन्होंने, Cr2 है ना, हमारे पास 2 Cr है, तो 1 Cr के लिए आपके पास 12 dq की वैल्यू आ रही है, तो 2 Cr के लिए क्या आ जाएगी, 24 dq। बस यही आपसे एक्सपेक्टेड है, तो माइनस प्लस उससे इतना कुछ इससे मतलब नहीं है, माइनस रखना चाहो तो रखो, नहीं तो मत रखो, तो नॉर्मल स्पाइनल है ये विद सीएफएसी ऑफ -24 dq, तो बाकी के हो जाएंगे आपके गलत, करेक्ट। चलिए इजी क्वेश्चन था काफी भी, ये भी देखते हैं अब नेक्स्ट हो जाएंगे शुरू। टाइमर बंद कर देता हूँ, आई थिंक वो बीच में आ रहा है। चलिए क्या आ रहा है आंसर, चलिए आई थिंक इतना टाइम इनफ है। CbBbA, ओके क्या दिया है उन्होंने, CONH3 6 2+ दिया है, तो CO2+ है हमारे पास 4H0 3D7, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7,
सो माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस 2.0 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 0.8 डेल्टा नॉट। अब काफी लोगों के दिमाग में ये आया होगा, सर बाकी सब ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी दी है तो वो क्यों है, तो फिर वो तो आपको फंसाने के लिए दिया है भाई। अगर उसको देखकर आप पेयरिंग एनर्जी वाला ऑप्शन लगा रहे हो तो वो तो 100% गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाइए, पेयरिंग एनर्जी आप कम लगाते हैं जब वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल नहीं, CO2 प्लस है, NH3 लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है क्या वहां पर हम पेयरिंग एनर्जी यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है इसका सही आंसर। ये बाकी के जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है। क्लियर? पता नहीं आप लोगों ने ए और बी क्यों बोला है यहां पर। पेयरिंग एनर्जी कब यूज करते हैं हम? इन D4, D5, D6, D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है भाई क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए अभी थोड़ी देर में 2-3 क्वेश्चन के बाद आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा ऑर्गेनिक का, तो उसके लिए भी तैयार रहिए आप बिल्कुल। चलिए हो जाइए शुरू इसका आंसर। टाइमर ऑफ ही कर देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स पे +3 समझा मैंने। अच्छा, +3 तो नहीं था ना, +2 था ना। कौन सा आ रहा है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल पूछा है। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल में क्या होता है? DXZ, DYZ, DXY, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सबसे ऊपर आता है आपका DZ स्क्वायर। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी में कौन सा है आपका? DZ स्क्वायर है ना। तो ये आपके TBP की स्प्लिटिंग होती है, भूलना मत। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बी नहीं आएगा भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां से आ रहा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका किस में होता है? स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे हाई एनर्जी में होता है। यस और नो? या स्क्वेयर पिरामिडल में भी होता है आई थिंक, यस। बट TBP में आपका DZ स्क्वायर सबसे हाई रिस्क में होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाइए शुरू।
कौन सा आया? पीबी केम पैसिफिक ही सही है। पीबीपी और पीवीपी का सेम होता है स्प्लिटिंग, सिर्फ बेरी सेंटर का डिफरेंस होता है, और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इनके पीबीपी के। ठीक है, पीबीपी है ना, पीबीपी और पीबीपी का सेम होता है आपका स्प्लिटिंग। फिर पीबीपी में क्या हो जाता है, बेरी सेंटर आपका यहां पर आ जाता है और आपका स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है ना पीबीपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। चलिए इसका तो ए आ जाएगा बराबर, बाकी के तो नहीं होंगे। टेट्राहेड्रल है ऑब्वियसली, हाई स्पिन होगा, लोएस्ट एनर्जी बोला है। लोएस्ट एनर्जी मतलब एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो आपका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा इंटेंस बैंड दिखाएगा, कलर सबसे डार्क होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना इसका, Ni2+4s0 3d8। तो इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो होगा। करेक्ट, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखते आगे, हो जाइए शुरू। कौन सा आएगा, बी आएगा, बिल्कुल यस और नो। बाय पीरिडीन Cl2 दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगा देखिए, Ru, एक बार Cl, Cl, ये एक बार हो जाएगा ट्रांस और एक बार ऐसे हो जाएगा। ये बना है आपका ट्रांस और ये है आपका सिस। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यस और नो, ऐसे ही निकालते हैं ना हम। अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो इसमें इसका एक प्लस फॉर्म भी होगा और माइनस फॉर्म भी होगा, यानी कि इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे। अब उन्होंने क्या पूछे, पॉसिबल आइसोमर्स पूछे हैं। अब पॉसिबल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, यहाँ पर दो है, सिस एंड ट्रांस वाले,
तो ये हो जाएंगे 2 + 1/2 ऑफ। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे भाई, प्लस और माइनस है ना, तो 2 होंगे के पास, तो ये और 2 और 2 तो कट हो जाएगा, तो 2 + 1 ये हो जाएगा आपका आंसर 3। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहां पर आपका सही आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो यहां पर स्टीरियो आइसोमर्स पूछे थे, बट कभी कभी वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पूछते हैं, कभी कभी सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पूछते हैं। सर इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आए होंगे सर एग्जाम में, क्यों नहीं आते होंगे भाई, आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, क्यों नहीं आते। और हम सेट के लिए स्पेशली कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा थंबनेल, सेट एग्जाम में तो आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो और आएंगे ही आएंगे। और नेट में भी अगर बोलूं तो 2 मार्क में हम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेट में थोड़ा सा 4 मार्क का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और ऊपर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। एक बार चेक कीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए हो जाइए शुरू। चलिए क्या आएगा, अभी 5 मिनट में आपका ऑर्गेनिक का सेशन शुरू हो जाएगा, यहां पर नुभय सर लेंगे। सी 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 पक्का सी आएगा, क्वेयर प्लेनर क्यों कह रहे हो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यस, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, Ni2+ होगा ना, 4s0 3d8। अब Ni2+ है तो ये आपका स्क्वेयर प्लेनर क्यों दिखाएगा भाई, ये तो टेट्राहेड्रल होगा। अरे ये तो टेट्राहेड्रल होगा ना, तो कैसा है आपका टेट्राहेड्रल है राइट। अब टेट्राहेड्रल में कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टेट्राहेड्रल में कुछ आइसोमर बनते हैं क्या, सिस एंड ट्रांस नहीं होते, एक ही तो बनता है, तो या तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर तो बिल्कुल नहीं होगा। नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, 1 ही तो होता है ना, 1 आइसोमर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये 3.20 कहां से आई, अरे तो यहां पर देखिए n = 2 है, बट ये क्या है आपका T2G असिमेट्रिकली फील्ड है, और जब असिमेट्रिकली फील्ड होता है तो एक यहां पर कॉन्सेप्ट आता है आपके ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का, जिससे क्या होती है आपकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। यस और नो,
तो ये आपका टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल एन वन। क्लियर? तो बिल्कुल भी इसको स्क्वायर प्लेनर मत बोलना, ये आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, Ni2+। चलिए और कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। चलिए ये वाला देखिए, ये फटाक से हो जाएगा तो फिर सेशन को स्टॉप कर देंगे हम। इजी है ये क्वेश्चन, दे दोगे आप आंसर? सर Pr3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D8 तो स्क्वेयर प्लानर होगा ना? नहीं भाई ऐसा क्यों, Pr3 बट बाकी के दो Cl भी तो है ना, तो आप उसको कैसे भूल सकते हो? और निकेल 2+ मोस्टली जब सारे Cn या Cu होते हैं ना तभी वो आपका स्क्वेयर प्लानर दिखता है। चलिए क्या आ रहा है, डिंपल सिंह सिंह, डी सौम्य सिंह, बी 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 डी। पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स बोले हैं ना, अब पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स कब बनेगा? व्हेन नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पासिंग। अब इस सब में देखिए, आपको जब भी ट्रांस देखने को मिलता है तो ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांस क्या होता है आपका CO, CL, CL, ये है आपका। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पास हो रही है, तो ये तो प्लेन ऑफ इनेंशियोमर तो नहीं है। अब इसकी बात करूं मैं, ये तो ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज है, सेकेंड वाला इस कहा है उन्होंने, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी पास हो जाएगी, तो ये भी आपका इनेंशियोमर नहीं होगा। फिर ये PT आपको पता है हमेशा आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, 4D 5D वाले, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर है, इसमें तो आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती ही होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या है आपका, तीन यहाँ पर आपके चिलेटिंग लिगेंड्स या बायडेंटेट लिगेंड्स हैं, और जब भी आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स देखने को मिले तो यहाँ से आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी पास नहीं होती, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी तो वो आपका एक इनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्लस और माइनस। क्लियर? यस। चलिए नुबई सर यहाँ पर आने वाले ले, उनका ही यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेशन फटाफट लाइक कर दो। यस बिल्कुल, इतनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए, लाइक तो बनता है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा सर ने, सेशन को लाइक कीजिए। अभी इनऑर्गेनिक तो हम खत्म कर देंगे, आप सर आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कंटिन्यू होगा, फिर उसके बाद आपके फिजिकल केमिस्ट्री का भी यहाँ पर सेशन होने वाला है, तो काफी मेहनत ले रहे सारे फैकल्टीज, तो आप लाइक करना मत भूलिए। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपका अच्छा लगे, आप कमेंट्स में भी जरूर बताइए, और आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है चलिए, फिर सेशन कैसा लगा? स्टॉप करें सेशन को, कल वापस से 9 बजे यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक सेशन शुरू करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। चलिए थैंक यू सो मच, आप भी चाहिए तो एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन वापस जरूर आना है आपको। कल वापस से मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगा। Pr3 वाला है ना, देखिए कौन सा था अपना क्वेश्चन वो, यहाँ पर BrB तो है ना, और ये Pr3, लेकिन दोनों अलग है, P PH, PH और PT, और दो BrB तो है, तो उसको हम स्क्वायर प्लेनर नहीं बोल सकते, उसको हमें टेट्राहेड्रल ही मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम टेट्राहेड्रल ही मानेंगे, स्क्वायर प्लेनर नहीं मानेंगे। अगर इन लिगेंड्स की जगह सारे आपके CO या साइनाइड होते ना, तो वो बन जाता आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वो आपका स्क्वायर प्लेनर दिखाता। फिर ऑर्गेनिक का कब है? अभी है ऑर्गेनिक का, 5 मिनट में शुरू हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक का सेशन। सामने है पहला सवाल,
2 लाख रुपए के लिए, बताइए फटाफट से बताइए कि क्या लगता है आपको इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताइए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और वेलकम है सभी का। गेम स्पेसिफिक शीतल, स्प्रेड पीस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सर जी, कैसे आए तुम्ही, एकदम मस्त आए मी, तुम्ही कशे आए सगड़े, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, आइए सेशन में फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताइए, और फटाफट से मुझे बताइए कि इसका जवाब कौन सा रहेगा। क्या लगता है आपको कि ये सिन डायोल कौन देने वाला है, या एक्सो देंगे ये डायोल, या एंडो डायोल देंगे। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको ये 4 ऑप्शन चुनने हैं सर। हम एग्जाम में गए, सेट के एग्जाम में गए, या नेट के, या किसी भी एग्जाम में गए, और हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, हमने देखा, और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि ये डायोल कैसे है, दोनों इनकी जो स्टीरियो दी है, या स्टीरियो प्लेन दी नहीं है अभी, लेकिन वो इन द प्लेन है, और वो भी सेम साइड में है, कैसे है सेम साइड में। सेम साइड में मतलब कैसे है सर, वो सिन डायोल है। अगर वो सिन डायोल है, तो वो सिन डायोल ऐसा कौन सा रिएजेंट है इन चारों में से कि वो सिन डायोल देगा। क्या लगता है बताइए, फटाफट बताइए क्या लगता है। समृद्धि बोल रही है सी, शीतल बोल रही है सी, जी हाँ, आप थोड़ा सा से रह चुके हैं दूर, आपने कोशिश अच्छी की है। ऋतुजा अ वेरी गुड मॉर्निंग, आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन आप थोड़ा सा रह चुके हैं, उसके सामने चलिए, तब आपको पता चलेगा कि वो रिएजेंट का नाम, सारे रिएजेंट का नाम देखिए। यस, केम स्पेसिफिक, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। यस, फटाफट से जुड़ जाइए सेशन में, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। क्या लगता है आपको, केम स्पेसिफिक ने डी दिया है आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो के एम एन ओ 4 है, वो के एम एन ओ 4 क्या करेगा, वो भी डायल तो देगा, लेकिन वो कैसे देगा, वो बाद में NaOCO3 दिया है, और टर्ट ब्यूटाइल H2O दिया है, तो ये क्या करेगा, ये सिन डायल देगा नहीं सर, ये ट्रांस डायल देगा, ठीक है। ऑस्मियम NMO एसीटोन, ये कैसे है, ये भी सिंडायोल दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो कैसे रहेंगे, एंडो नहीं रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, एक्सो रहेंगे। मतलब इस केस में कैसा होगा, इस केस में कैसा हो रहा था, ये सिंडायोल नहीं दे रहे थे, ट्रांस डायोल दे रहे थे, ये कैसे दे रहे थे, ये सिन, लेकिन ये CH3 के स्टेरिक के वजह से OSO4 ये कैसे देगा, वो एक्सो में देगा, कैसे देगा आपको, कुछ इस तरीके से वो आपको यहाँ पर OH देगा, और यहाँ पर OH देगा, ठीक है। तो क्या कुछ रुका है, क्या स्ट्रीमिंग रुक गई है, हेलो, वुडवर्ड हिंड्रेंस साइड डायोल फॉर्म, यस वेरी गुड, वुडवर्ड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये OH देगा, वेरी गुड केम स्पेसिफिक, क्या मैं दिख रहा हूं, क्या मैं ऑडिबल हूं, जल्दी से बताइए मुझे, क्या मैं दिख रहा हूं, ऑडिबल हूं आपको। यस, ये एक्सो देंगे, और ये जो है सर MCPB ये क्या करेगा, ये इपॉक्साइड करेगा, और कौन से साइड से करेगा इपॉक्साइड, ये इस साइड से इपॉक्साइड नहीं करेगा, ये इस साइड से इपॉक्साइड करेगा, बिलो द प्लेन से, क्यों, क्योंकि ऊपर से CH3 है सर, तो इससे बिलो द प्लेन साइड से इपॉक्सीडेशन करेगा, MCPB है, ठीक है, ये MCPB है, इपॉक्सीडेशन करेगा,
रसिका वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये H2O जो है OH, ये OH अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ ट्रांस डायोल आपको मिलेगा किसमें, MCPBA जब आप रिएजेंट यूज करेंगे उसमें ट्रांस डायोल मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक एक्सो से आएगा एक एंडो में रहेगा, क्या आपको दिख रहा है? एक सेकंड रुकना, हेलो माय वॉइस इज क्लियर, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस बताइए, दिख रहा है सबको? यस, चलिए देखिए, ये जो है ये ट्रांसडायल देंगे, ये एक्सो देंगे। अब इसमें ये सर वुडवर्ड है, वुडवर्ड, वुडवर्ड कंडीशन में क्या यूज होता है सर, I2AgOAC होता है, ठीक है, I2OACAG होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले I2 क्या करता है, आइडोनियम ये बनाता है कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आयोडीन आता है ऐसे पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर आयोडीन आने के बाद जो ओएसी होता है, ओएसी माइनस, ये बिलो द प्लेन से होगा तो ओएसी ये अबव द प्लेन से आएगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ओएसी जो ग्रुप है वो ऊपर से जुड़ेगा, और जैसे ही अटैच हो जाएगा तो वैसे ही अटैच होने के बाद यहाँ पर OC ये कैसे आ जाएंगे, फिर सिन साइड से आएंगे, कैसे आएंगे सिन साइड से। तो कभी भी वुडवर्ड क्या देता है, सिन डायोल देता है, सिन डायोल।
वुडवर्ड क्या देता है? सिंडायल। और प्रीवोस्ट क्या देता है? प्रीवोस्ट, प्रीवोस्ट देता है सर एंटी डायोल, एंटी डायोल। अब दोनों को पहचानेंगे कैसे सर? हाउ टू आइडेंटिफाई बोथ द रिएजेंट्स? तो जहां पर वाटर होगा सर, जहां पर वाटर है उसे हम वुडवर्ड कंडीशन कहेंगे, जहां पर वाटर नहीं रहेगा सर उसे हम प्रीवोस्ट कंडीशन कहेंगे। क्लियर? जहां पर वाटर है उसे हम क्या बोलेंगे? वुडवर्ड कंडीशन। जहां वाटर नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? प्रीवोस्ट कंडीशन। ओके, आई टू ए जी ओ ए सी ए सी ओ एच और एच टू ओ इसके साथ रहेगा, और लास्ट में हम बेस यूज करेंगे। तो डायोल हमें कैसे मिल जाएंगे? वो हमें डायोल कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, यहाँ पर ओ एच अप में, ओ एच अप में, ठीक है, ये दोनों ओ एच अप में मिल जाएंगे। जैसे ये ओ एसी पहले अटैक करेगा, फिर ओ एसी फिर से नहीं क्या फाइव मेंबर रिंग की ऐसे इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। एक एक ऑक्सीजन इधर से अटैक करेगा, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे साइड से अटैक करेगा, तो ऐसे थ्री मेंबर की ऐसे रिंग बनती है, ऐसे फाइव मेंबर की, और उसमें फिर ओ एच, ये जो ओ एच है ये अटैक करता है, एच टू ओ का पहले अटैक होता है, फिर ओ एच का अटैक होता है, और हमें सिंडायोन मिलते हैं। क्लियर? यस, क्लियर है सभी को? रसिका, यस। भारती, अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बताइए फटाफट से आंसर, बताइए फटाफट से आंसर बताइए फटाफट से आंसर बताइए। देखिए आपको जूम करके दिखाता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए बताइए यहां पर क्या लग रहा है आपको? OH है रिंग पर और OMe ग्रुप है पैरा पोजिशन पर, ये NaOH दिया है, Cl ग्रुप है इपॉक्साइड दिया है अबाउ द प्लेन, और NHCH2CH2 NHCH2CH3 ऐसे दिया है। तो बताइए फटाफट से क्वेश्चन, इसमें क्या आंसर रहेगा? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बस इसे आपको बताना है सही सही। यस रसिका जी, गुड, सही आंसर, यस वेरी गुड, सब लोग सही कर रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए बताइए फटाफट से, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? देखिए चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यस क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए, है ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। भारती, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका। देखिए आपके सामने क्या रिएजेंट दिया है, मैं आपको यहां पर लिख के भी देता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है दिखने में तो बताइए फटाफट से आंसर। इसमें आपको बताना है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्टीरियो क्या होगी सर, SN2 रिएक्शन होगी या SN1 होगी, यहाँ पर आपका P बन रहा है, और यहाँ पर NH दिया है CH2CH3 NHCH2CH3 और Q बन रहा है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? क्या इसकी स्टीरियो चेंज हो जाएगी? क्या इसकी स्टीरियो चेंज हो जाएगी? क्या लग रहा है आपको? क्या इसकी स्टीरियो चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी? बताइए। यस, ए ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, बहुत लोगों को ए लग रहा है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा तो यहाँ पर NaOH कैसा है, वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, एनायन फॉर्म होगा, और कौन सी रिएक्शन होगी सर, SN1 या SN2? SN2 रिएक्शन डायरेक्टली हम दिखाएंगे, और वहां पर हमें ये, यस वो वहां पर, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या होगा, या तो फोर्थ ऑप्शन, या तो सी ऑप्शन, या तो बी ऑप्शन। बताइए इसमें समृद्धि ए कह रही है। चलिए तो सबने आंसर दे दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं सर कि इसमें सही ऑप्शन क्या है और इसमें कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये बेस है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब जो OH माइनस है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है सर? हमने मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या हाइब्रिडाइजेशन होता है वो उसका ज्यादा होता है,
तो वहां से हम प्रोटॉन ले लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव चार्ज बना देगा बेस। अब ये बेस अगर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन गया है सर, मतलब एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, अगर एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, एसएन टू रिएक्शन से पाथवे से जाएगा। अगर ये एसएन टू से जाएगा तो डायरेक्टली अटैक करेगा इसके कहाँ पर अटैक करेगा, इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में डायरेक्टली अटैक करेगा और इस सीएल को यहाँ से लीव करना पड़ेगा, क्योंकि सीएल एक कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है सर। ओके, तो ये कौन से रिएक्शन से पाथवे से जा रहा है, एसएन टू से सर। ओनली ऑर्गेनिक का पेड बैच मिल सकता है क्या, देखिए आप कांटेक्ट कीजिए शायद ऐसा कुछ हो, है ना। तो यहाँ पे एसएन टू पाथवे से जाएगा, दीपक कांटेक्ट कीजिए आईएफएस को, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओ नेगेटिव इसने अटैक किया सिग्मा स्टार में और सीएल यहाँ से लॉस हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है सामने, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर इपॉक्साइड एज इट इज अबाउ द प्लेन था सर, जो रायता वैसे ही था वैसे ही हमने रखा, उस रायते को हमने फैलाया क्या, नहीं फैलाया सर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पी बन गया, अब पी बनने के बाद यहाँ पर एन एच है और इसको सी एच टू सी एच टू ऐसे लगे हुए, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, तो इसमें इसकी मन की इच्छा जगी, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अब इपॉक्साइड कैसा है, अब अटैक करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल इपॉक्साइड बचा है, तो ये न्यूक्लियोफिल जैसे एक्ट कर रहा है कौन, एनएच, और इपॉक्साइड पे जब हम अटैक करेंगे तो क्या वो अटैक यहाँ होगा या यहाँ पर होगा, कौन से दो साइड से होगा, ये तो ए साइड से हो सकता है नहीं तो बी साइड से, अब वो अटैक कहाँ पर होगा, ठीक है। अब वो ए साइड पे अटैक नहीं होगा क्योंकि वो स्टेरिकली हिंड्रेंट साइड है, अगर हम ऐसे देखते हैं किस में एसिडिक कंडीशन में तो ए साइड में अटैक होता था, क्यों, क्योंकि वहां पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है सर वो सेकेंडरी होता था, और अगर बी साइड से हम अटैक करते थे तो वहां कार्बोकैटायन प्राइमरी बनता था और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन, यू नो गाइस, ओके। सो बट हियर वी हैव डायरेक्टली नाइट्रोजन न्यूक्लिफाइल, सो वॉट हैपन, दे नाइट्रोजन लोन पेयर इज डायरेक्टली अटैक ऑन दैट कार्बन एटम विच इज लेस सब्सटीट्यूटेड, ओके। सो इपॉक्साइड विल बी ओपन एंड वॉट वी विल गेट नेक्स्ट, अगर ये अबाउ द प्लेन से है इपॉक्साइड तो नाइट्रोजन कहाँ से अटैक करेगा सर, ये बिलो द प्लेन से करेगा, क्योंकि अबाउ में इपॉक्साइड है तो नाइट्रोजन बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, यस Definitely sir. Now we will get a product like this. Here we get a beautiful product like, but हमने यहाँ पर OH की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज की है, नहीं बेटा जी, अगर हमने OH की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं की है तो OH की स्टीरियो केमिस्ट्री एज इट इज रहेगी, यस सर। अगर OH जो यहाँ पर अबाउ द प्लेन इपॉक्साइड था वो रिंग ओपनिंग की, हमने इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग की, तो ये O माइनस जो बनेगा वो क्या करेगा, वो OH ले लेगा, है ना, क्या करेगा, एच ले लेगा। अगर यहाँ पर ये इन द प्लेन से दिखा है या बिलो द प्लेन से दिखा है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने इन द प्लेन से दिखा है या बिलो द प्लेन से। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था सर और ये नेगेटिव चार्ज था, तो इस नेगेटिव चार्ज ने एनायन ने इस प्रोटॉन को लिया और इस नाइट्रोजन को न्यूट्रल किया सर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना OH, ये क्या बन गया, OH। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, देखिए बहुत ही शानदार दिख रहा है कि ये OH अबाउ द प्लेन है, जहां पर OH अबाउ द प्लेन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, ये तो बिलो वाला है जो कि रॉन्ग हो चुका है, ये कैसा हुआ है, ये बिलो द प्लेन में था, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, ये यहाँ पर इन्होंने अटैक किया सर जो कि मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से था, वहाँ पर अटैक पॉसिबल नहीं था और वहाँ अटैक करने का कोई मतलब भी नहीं था। अब यहाँ पर इन्होंने ये अबाउ द प्लेन से लगा दिया और इसे ही इन द प्लेन लाया OH को, हमें OH की स्टीरियो केमिस्ट्री हमने चेंज की,
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं की। और यहाँ पर नाइट्रोजन का लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक हुआ और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला सर? क्यों, ये हमें मिला ए ऑप्शन। कौन सा मिला? ए ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, सब लोगों ने, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से, कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में, सारी चीजें हो जाती है ना। बेंजोफिनोन प्लस आइसोब्यूटीन, बताइए बेंजोफिनोन और आइसोब्यूटीन। यस, क्या आप बता सकते हैं? यस, गुड मॉर्निंग सुरेखा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का। देखिए ये रिएक्शन कौन सी है, फटाफट से आंसर बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है सर और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, तो ये रिएक्शन आपको आती है मुझे पता है, तो आप बताइए कि कौन सी रिएक्शन है। अगर नहीं पता है तो भाई साहब हम आपके साथ हैं, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे कौन सी रिएक्शन है। बताइए क्या ये नरिश टाइप है, क्या ये नरिश टाइप टू है, क्या ये बार्टोन रिएक्शन है, क्या ये पैटर्नोबुच्ची रिएक्शन है, बताइए कौन सी रिएक्शन हो सकती है, क्या लगता है आपको? बताइए, बार्टोन रिएक्शन में क्या यूज होता है सर? NaOCl, ठीक है। अब ये यहाँ पर डेल्टा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन होता है हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पर कुछ डेल्टा तो कार्बन ही नहीं है सर, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे हम, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से करेंगे? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये जो है नरिश टाइप वन भी नहीं होगी, नरिश टाइप टू भी नहीं होगी, ये होगी। नरिश टाइप वन में क्या होता है सर, कार्बोनिल को रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है, और इसमें अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा प्रोटॉन, डेल्टा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नरिश टाइप वो में डेल्टा प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं हम, डेल्टा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे मैकलेफिटी रीअरेंजमेंट में होता है उसी तरीके से नरिश टाइप टू में भी होता है। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि नरिश टाइप टू और मैकलेफिटी रीअरेंजमेंट बोथ आर सेम बट दे गिव बोथ डिफरेंट प्रोडक्ट, यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। बस उसमें मास बाय चार्ज का रेशियो दिया जाता है मैकलेफिटी रीअरेंजमेंट में, ठीक है। और ये पैटर्नोबुच्ची रिएक्शन है, कौन सी है? पैटर्नोबुच्ची। कैसे पता चला सर? बेंजोफिनोन कैसा होता है, ये पीएच है और ये पीएच है, ठीक है, और यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट दी है, ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट ऐसी होती है। देखिए इनमें क्या होता है, जैसे पैटर्नोबुच्ची रिएक्शन मतलब क्या है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और कार्बोनिल का कार्बन, और इधर एक अल्किन रहेगी, दोनों को जोड़ देंगे, एक फोर मेंबर रिंग बन जाएंगी, हो गया वो पैटर्नोबुच्ची रिएक्शन, क्लियर। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और उसका कार्बन, इधर एक अल्किन रहेगी, कहीं पे भी एक अल्किन साइड में आपको दी जाएंगी, मतलब ये कैसा है, इंट्रामोलिकुलर है या इंटरमोलिकुलर है? सर ये इंटरमोलिकुलर, अलग अलग दो हम अलग अलग दो ग्रुप ले रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, कहाँ से कैसे जोड़ रहे हैं सर? कार्बोनिल को यहाँ से इसको जोड़ देना है सर, और यहाँ से इसको जोड़ देना है सर, देखिए। और ये एच न्यू कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो इसे हम पैटर्नोबुच्ची रिएक्शन कहते हैं, और आपको प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसा, ठीक है। यस, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये ऐसा, तो यहाँ पर दो मिथाइल, यहाँ पे दो पीएच एज इट इज रहेंगे सर। यस, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सबको? यस, क्लियर। ऑक्सीबिटेन प्रोडक्ट इज फॉर्म, भारती, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब सही आंसर दे रहे हैं। मोहम्मद, वेरी गुड, केमिस्ट्री भारती, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन है आपका। यस, नेक्स्ट बताइए, क्या आप इसको बता सकते हैं? फटाफट से बताइए बेटा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से किया तो आपके कॉन्सेप्ट सही सही जा रहे हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं लगा पाया, मतलब आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम आपके साथ हैं, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी सर। देखिए बताइए मुझे, यहाँ पर इपॉक्सीडेशन भी करना है डबल बॉन्ड का, और
कार्बोनिल का सिन ओएच भी बनाना है, तो कौन करेगा ऐसा बताइए, बताइए कौन करेगा। ये ए ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन में क्या है, NaBH4 CaCl3 MeOH, और सेकंड ऑप्शन दिया है MCPBA है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड CH2Cl2 दिखा, उसके बाद में बी ऑप्शन आपको दिया है सर NaBH4 CaCl3 लूचे रिएजेंट CaCl3 अगर दिख रहा है आपको तो वो कैसा है, लोचा कर सकता है, ठीक है H2O2NaOH, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है MCPBCH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबको रिड्यूस कर देगा, वो इपॉक्साइड भी नहीं बनाएगा, ठीक है, और H2O2NaOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को भी और कार्बोनिल को भी रिड्यूस कर देगा सर। तो सी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सर, कैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन को वो रिड्यूस कर देता है, डबल कार्बोनिल को ओएच में कन्वर्ट कर देगा, और जो डबल बॉन्ड था अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड ये वाला, इसको भी वो रिड्यूस कर देगा, मतलब यहाँ पर भी प्रोटॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ से कट गए क्योंकि ये इपॉक्साइड नहीं बनाने वाले, अब बचे हैं दो ऑप्शन, कौन से, ए और बी। चलिए ए और बी में कैसे खेला जा सकता है, और सब लोगों ने आंसर दे दिया है लूचे रिएजेंट रिड्यूस टू कीटोनिक कार्बोनिल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेहतरीन चल रहा है सब लोग। चलिए देखते हैं सी और डी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया सर, बिकॉज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रिड्यूस बोथ द अल्कीन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एज वेल एज अल्कीन, ओके सो हियर सी एंड डी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, सो वी हैव ओनली ए एंड बी ऑप्शन। अगर ए और बी ऑप्शन अगर होगा तो इसमें NaBH4 क्या करता है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, क्या करेगा रिड्यूसिंग रिएजेंट, अब वो रिड्यूस तो करेगा तो वो कौन से साइड से रिड्यूस करेगा, अब अगर हमने ये कार्बोनिल इसमें यूज़ किया है तो NaBH4 हमने इसमें ट्रीटमेंट की है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH कोई भी साइड से आ सकता है, हमने अबाव ले लिया, चलिए हमने अबाव ले लिया और यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं MCPBA, MCPBA क्या है सर, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, ये एक डेफिशिएंट है, ये क्या है एक, देखिए ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि सर MCPBA क्या है, कैसी स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, कैसी है सर डिफिशियंट स्पीसीज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसको डबल बॉन्ड कैसा चाहिए, रिएक्शन इपॉक्साइड बनाने के लिए डबल बॉन्ड कैसा चाहिए, उसको डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड चाहिए, कौन सा चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, अगर MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो उसको डबल बॉन्ड कैसा चाहिए, डबल बॉन्ड लिख लेना यहाँ पर एग्जाम में आपको आएगा पक्का आएगा, डबल बॉन्ड कैसा चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड कैसा होता है सर, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड कैसा होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट डबल बॉन्ड कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से हो सकता है, या उसके पास में डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, या विड्रॉइंग ग्रुप के अगर रहेंगे तो ये कौन सा हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल के कॉन्जुकेशन में जा रहा है तो डबल बॉन्ड ये कैसा है डिफिशियंट है, ये कैसा डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट डबल बॉन्ड है, डिफिशियंट ये डेफिशिएंट डबल बॉन्ड है सर, और डेफिशिएंट डबल बॉन्ड अगर ये होगा तो यहाँ पर ये प्रॉपरली क्या कर, यहाँ पर हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, यहाँ पर हम H2O2 यूज करेंगे इपॉक्सीडेशन अगर करना होगा तो, क्यों, क्योंकि H2O2 क्या करता है सर, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच रिच स्पीसीज है, H2O2 कैसी है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो डबल बॉन्ड कैसा चाहिए डेफिशिएंट, तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से सीख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो यहां पर ये डबल बॉन्ड क्या किया, डबल बॉन्ड को क्या करेगा, इपॉक्साइड। अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लेडन में, कैरोथस में, नांस में, तीनों भी बुक अगर आप करते हो तो उसमें अगर OH अभाव में दिया है तो सर MCPBA उसके सामने डबल बॉन्ड दिया है तो उसका इपॉक्सीडेशन होगा, वो भी कौन से साइड से, हमेशा क्लेडन, कैरोथस और नांस में, तीनों में यही बताया है कि जिस साइड से OH की स्टीरियो रहेगी सर, उसी साइड से इपॉक्सीडेशन की भी स्टीरियो रहेगी, मतलब सिन इपॉक्सीडेशन होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। नाउ सर, नाउ आई गॉट इट, यस वेरी गुड। तो यहाँ पर ये कैसा है, ये कैसा है OH, ये डोनेटिंग ग्रुप जैसा है और इसकी ये कैसे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू क्या करता है, इपॉक्सीडेशन सिन देता है। क्यों दे रहा है सिन इपॉक्सीडेशन? रीजन सर, वाई दिस OH गिव्स सिन इपॉक्सीडेशन, बिकॉज दे क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द MCPBA रिएजेंट। लिख लेना अच्छे से, ठीक है। Why? उसका रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, ए। यहाँ पर H2O2 हम यूज करेंगे क्या? नहीं सर, H2O2 हम किसके लिए यूज करते हैं सर? H2O2 एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और अगर ये रिच है तो डबल बॉन्ड कैसा चाहिए हमें? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट चाहिए। सबको क्लियर है? यस क्लियर, एग्जैक्टली समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बी ऑप्शन यहाँ से कट चुका है, क्लियर है सबको, इजी। यस सर, अगर ये चीज आपका आपको अच्छे से समझ गई तो आपका पेपर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सा सर? MCPBA एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पीसीज है और डबल बॉन्ड उसे कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। अगर और H2O2 कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच पीसीज है और वो उसको डबल बॉन्ड कैसा चाहिए? डेफिशिएंट। अब मुझे ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, तो आप मुझे बताइए इसमें से इपॉक्सीडेशन कौन करेगा, ठीक है। तो फटाफट से मुझे यहां पर मैंने H2O2 दिया है आपको और NaOH दिया है, तो ये होमवर्क है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, माई डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। और MCPBA आपको बताना है इसमें से डबल बॉन्ड कौन सा इपॉक्सीडेशन करेगा। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये P बनेगा, ये Q बनेगा, तो ये A है और ये B एल्किन है डबल बॉन्ड। तो बताइए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन करेगा, इपॉक्सीडेशन करेगा, इधर भी इपॉक्सीडेशन करेगा लेकिन कौन से डबल बॉन्ड के साथ करेगा, वो आपको बताना है। जादू, थैंक यू सो मच जादू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। जो भी समझ पा रहे हैं अच्छे से, प्लीज सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ये होमवर्क कर दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक मिनट में इसका आंसर बता सकते हैं सर कि ये H2O2 इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये डबल बॉन्ड कैसा चाहिए से? डेफिशिएंट। तो ए वाला यहाँ पर इपॉक्सीडेशन करेगा और बी वाला MCPBA कैसा है? MCPBA यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इससे डबल बॉन्ड कैसा चाहिए? रिच, तो बी वाला इपॉक्सीडेशन बनेगा। यस वेरी गुड। साइक्लोप्रोपेन रिंग नहीं बनेगी रसिका, इपॉक्सीडेशन होगा। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन रिंग नहीं बनेगी, इपॉक्सीडेशन होगा, क्लियर। दोनों चीजें अलग है। साइक्लोप्रोपेन रिंग कहाँ बनती है सर? वो बनती है स्टेबल इलाइड में। कौन से स्टेबल इलाइड में? सल्फर स्टेबल इलाइड। कौन सा? सल्फर स्टेबल इलाइड। वो यहां पर आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रेट ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट इन, किस में हाईएस्ट रहेगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? जल्दी से जल्दी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है सर? क्या लग रहा है आपको, फटाफट से बताइए। यस रसिका, डबल बॉन्ड, MCPBA डबल बॉन्ड को इपॉक्सीडेशन करेगा लेकिन कौन से डबल बॉन्ड को, क्या ए वाले या बी वाले? दोनों में से एक ऑप्शन बताना आप। यस बी वाले को करता है। यस क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर। और
जो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है वो डेफिशिएंट हो गया सर, क्योंकि कार्बोनिल कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सर, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डबल बॉन्ड के पास में होगा तो वो डबल बॉन्ड डेफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड को खींच लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉइंग ग्रुप पुल टूवर्ड्स इटसेल्फ। नाउ क्लियर और नॉट? यस यस। यहां पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक इन नेचर, इफ बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक इन द नेचर दे गिव हायर रेट, और हम क्या कह सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वो हाईएस्ट दिखाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बन जाएगा बताइए, फटाफट से बताइए, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे आपका बन आना चाहिए। तो देखिए मैंने इसे पार्शियली इधर डिवाइड किया और इधर डिवाइड किया, मैंने क्या किया इस डबल बॉन्ड को इधर, ये पूरे डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं मैंने एक साइड में नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो एक साइड में क्या बन जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने इधर नेगेटिव चार्ज बनाया तो इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यस। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो अब बताइए ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं? यस सर डेफिनेटली है। कैसे पता चला? देखिए टू इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव चार्ज के टू इलेक्ट्रॉन्स, और साइक्लिक है क्या प्लेन? यस सर साइक्लिक है। एरोमेटिसिटी के फोर रूल्स है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन और हुकेल रूल को वो ऑबे करने चाहिए। हुकेल रूल कौन सा है सर? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को वो फॉलो करने चाहिए, तब जाके वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा सर। क्लियर? यस सर। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो है ये 2 2 2 ये कितने और इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है 6 हो रहे हैं। क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एरोमेटिक बन पाएगा क्या सर? ये तो एरोमेटिक बन गया सर। कैसे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब 4, n की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी सर, n की वैल्यू 1 रहेगी। कैसे रहेगी सर n की वैल्यू? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने के लिए 4n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। समझ में आया? तो यहाँ पर 4 × 4 + 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक। इसलिए पहली जो रिंग थी लेफ्ट साइड वाली वो एरोमेटिक है, दूसरी जो रिंग है वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और ये 2 कितने हुए सर? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से रूल को फॉलो करते हैं सर? 4n के। n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर। क्या होती है? 1 होती है। तो 4 × 1 कितना होगा? ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इक्वल्स टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो ये यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, मतलब एंटी एरोमेटिक इन नेचर। क्या हो रहा है ये? एंटी एरोमेटिक। तो ये तो सर एंटी हो गई, एंटी एरोमेटिक हो गई। यहाँ पे देखिए मैं अगर ऐसा चाहता हूँ कि इसे नेगेटिव बनाऊँ और इसे पॉजिटिव बनाऊँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और राइट साइड में एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इसे गौर से देखिए और बताइए कि ये रिंग दोनों भी एरोमेटिक बन रही है क्या सर? यस सर। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस मॉलिक्यूल बिकम एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज दिस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो द रूल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस रिंग इज बिकम एरोमेटिक इन नेचर। इफ दिस रिंग इज एरोमेटिक इन नेचर, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट रिंग, इफ दिस रिंग इज एरोमेटिक दे आर शोइंग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, सो इफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस राइट रिंग, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर। अगर यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम ये एरोमेटिक होता है या नहीं सर? यस सर। हाउ दे फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज n value is become 0. If n value is become 0, now ring is become aromatic in nature. हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं, तो 4 × 0 = 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचा है मतलब वो एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है सर, तो ये एरोमेटिक हो जाएगी।
तो ये भी एरोमेटिक हो गई है। नेक्स्ट, अब ये दोनों रिंग अगर एरोमेटिक हो गई है तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये फास्ट में इधर मूव होंगे या नहीं सर? यस सर, अगर ये फास्ट में मूव होंगे तो ये कैसा है, सिस में है अभी, मिथाइल मिथाइल दोनों सेम साइड में है, ठीक है, तो वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं सर। ये कौन सा रोटेशन है सर? टोटो रोटेशन है। कौन सा? 2-2 रोटेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेशन है। अगर सिंगल बॉन्ड रोटेशन ये जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा जी समझ लो कि ये कैसा है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म फास्ट दिखाने वाला है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक रिंग, बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे शो द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म वेरी वेरी फास्ट। ओके, सो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट एंड ए इज नॉट करेक्ट। वी विल सी द सी ऑप्शन, इफ वी विल दिस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स पुल टुवर्ड्स वन ऑफ द रिंग, तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव कर देता हूँ, तो देखिए बेटा जी यहाँ क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हैं? 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एंटी एरोमेटिक नेचर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सर, ये एरोमेटिक तो बन रही है लेकिन दूसरी रिंग एंटी एरोमेटिक बन गई सर। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा नहीं है, इसलिए हम ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक रिंग अगर हमसे खफा हो गई तो वो अच्छा नहीं होगा सर। हमें दोनों भी रिंग को खुश रखना है, तो उस दोनों रिंग को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें दोनों साइड में एरोमेटिसिटी क्या होनी चाहिए, ओबे करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस साइड में अगर हमने नेगेटिव कर दिया, इस साइड में हमने पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये टू ये टू ये टू ये टू, टोटल कितने हो जाएंगे सर, 2 2 2 2, कितने हो गए, 8 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर। तो 8 pi इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कौन से टेबल को फॉलो करता है सर, 4n के टेबल को। अगर 4n के टेबल को फॉलो कर रहा है सर 8 pi इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, 4n के। अगर ये 4n के कर रहा है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, तो इधर एरोमेटिक बन रहा है। हम उल्टा भी कर सकते हैं सर, क्या हम उल्टा कर सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली उल्टा करके देखिए, मैं चाहता हूँ इधर नेगेटिव बनाऊं और मैं चाहता हूँ इधर पॉजिटिव बनाऊं, तो उल्टा करके देखिए, यहाँ नेगेटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव कर दिया, देखिए फिर भी बेटा जी ये इसका आंसर क्या होगा, नहीं आएगा। क्यों? देखिए अभी भी ये रिंग कैसी है, अब ये कितनी रिंग बनी है, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि कि अब आ रहे हैं 6 pi इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक बन रही है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक बनेगी, देखिए क्या ये रिंग एरोमेटिक बनेगी, नो सर, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, और ये रिंग क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। इसलिए ये भी ऑप्शन कटा और ये भी ऑप्शन कटा, इसमें से बना ऑप्शन सिर्फ बी, क्योंकि बी ऑप्शन में बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर शोइंग अ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड रोटेशन इजीली, एंड दे हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पर क्या रहेगा, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट रहेगा, और उसका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वेरी इजीली वो कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि क्या हो रही है, बोथ द रिंग्स एरोमेटिक हो रही है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बता दीजिए बेटा जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये पेरिसाइक्लिक का रिएक्शन का क्वेश्चन है, अगर ये आपको आता है तो आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी बेहतर है और बेहतर बनते जाएगी सर, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपको और बेहतरीन बनाते चलेंगे, और है ना, यस सर। तो बताइए ये क्वेश्चन बेहतरीन शानदार आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिए मुझे कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा, बताइए इस क्वेश्चन को मैं क्या नाम दूं। यस दीपक, वेरी गुड, शिवम, नेहा, रसिका, वैष्णवी, ऋतुजा, कीम मेंटर, डॉक्टर भावेश, डॉक्टर भावेश जी आप आए हैं, रोटेशन बैरियर, स्प्रेड स्पीस, सौम्या, मोहम्मद, राहुल राठौर, केम मेंटर, पायल, परिधि, ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शीतल, सन्मति, समृद्धि, बताइए, राधिका, केम फेवर, रसिका, स्प्रेड पीस, बताइए, तन्मय सिंह, तनिया सिंह, सुरेखा जी, वेरी गुड,
सब लोग बताइए, बहुत ही अच्छे से आंसर आप कर रहे हैं और इतने लगन से लगे हुए हैं, तो हमें एक एक सारी सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सर कि चारों ऑप्शन का नॉलेज होना, क्योंकि चारों ऑप्शन हमें पता रहने के लिए हमें स्टडी उस तरीके से करनी पड़ेगी सर, क्योंकि हमारी अगर चार ऑप्शन हमें पता नहीं है, मतलब हमारी थोड़ी सी स्टडी में कमतरता हो रही है, हम थोड़ा सा कुछ कम पढ़ रहे हैं, तो हमें चारों ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर पाए और उसमें ऐसा क्या हो रहा है जिससे हमें हम उसे एलिमिनेट कर सके। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं हम कदम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। चलिए फिर यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये एमी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर एमी ग्रुप है। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, एक सेकंड रुकना जरा, यस दिख रहा है सबको, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, बहुत ही सिंपल है सर, यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखिए ब्यूटाइल लिथियम दिया है, TbOH एक बेस दिया है, ये ब्यूटाइल लिथियम बेस है, बेस का काम क्या है सर, प्रोटॉन अपचेक करना। प्रोटॉन कहाँ से अपचेक करेंगे सर, विड्रॉइंग ग्रुप हमें नहीं दिख रहा है, कोई ग्रुप भी ऐसा नहीं दिख रहा है कार्बोनिल जहाँ से हम प्रोटॉन अपचेक करें। अब कहाँ सोचे सर हम ऐसे, समझ में आए, मैंने एक चीज बताई कि जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है उसके बाजू के कार्बन पर अगर हेड्रो आइटम दिख रहा है तो वहां से हम प्रोटॉन अपचेक कर सकते हैं सर। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके बाजू का कार्बन जो है वहां पे दो प्रोटॉन होंगे सर, ये इस दो प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन हम अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, बेस प्रोटॉन ले लेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। जैसे ही इसने नेगेटिव चार्ज बनाया सर, तो ये कौन सी रिएक्शन दिखाने वाला है, देखिए बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है सर, वेरी वेरी नाइस। तो ये वन और टू, इस ऑक्सीजन को मैंने नंबर वन दिया है, इस कार्बन को नंबर टू दिया है, यहाँ पर मैं नंबर वन दे रहा हूँ, इसे टू दे रहा हूँ और इसे थ्री बोल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, टू थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रही है, कौन सी, टू थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रही है सर। तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट आपको ये कैसे पता चला सर, क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम एक बेस है और अगर कार्बोनिल कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है तो हमें क्या देखना है, हमें एक ऐसा ऑक्सीजन आइटम उसके बाजू में अगर कोई कार्बन है और वहां पर प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन छीन लिए जाएंगे, वो प्रोटॉन छीन लिए जाएंगे किससे, वो बेस छीन लेगा वो प्रोटॉन और वहां पर एक कार्बन आयन फॉर्म होगा और वहां पर टू थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्मेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा थ्री नंबर कार्बन एटम से, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा सर दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। देखिए बेटा जी मैंने कैसे किया है, बस उसे अच्छे तरीके से आपको लिख लेना है, मैंने यहाँ पर ओ नेगेटिव चार्ज बनाया और यहाँ से मैंने इस तरीके से डबल बॉन्ड, ये मिथाइल है यहाँ पर है, ये ऐसा है और डबल बॉन्ड यहाँ है और ये मिथाइल ऐसा है। ये अल्कीन कैसे दिख रही है सर, क्या आपको ये अल्कीन जेड दिख रही है, ये दिख रही है सर, ये मैंने पहले भी आपको बताया कैसे देखते हैं हम जेड और ई अल्कीन को, देखिए इधर एच एच है तो यहाँ पर ये अल्कीन कैसी है, जेड और ई है, देखिए यहाँ पर जो ये कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर सर ज़्यादा है इसलिए नंबर वन दिया है, एटम हाइड्रोजन का टू है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका वन है तो इसको टू प्रायोरिटी दे देंगे हम, इसको प्रायोरिटी वन दे देंगे, इसको प्रायोरिटी टू देंगे हाइड्रोजन को, तो वन वन प्रायोरिटी कैसी है अपोजिट में, तो इसे ई बोलेंगे सर हम,
क्या ये समझ में आया सबको? इसे ई अल्किन बोलेंगे, तो हमें ई अल्किन रहनी चाहिए, ई अल्किन रहनी चाहिए सर, ई अल्किन रहनी चाहिए। क्या यह ई दिख रही है? नहीं सर, ये जेड अल्किन है। क्या ये ई है? तो ये सी ऑप्शन यहाँ से कट गया। नेक्स्ट ऑप्शन काटना है हमें, देखिए यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ, यहाँ पर अटैचमेंट इन्होंने रॉन्ग कर दिया है डी। और यहाँ पर देखिए आपको ये कैसा होगा, ये कार्बोनिल बना दिया है सर, यहाँ पर कार्बोनिल नहीं बनेगा सर। देखिए जो बेस ने प्रोटॉन लिया था, ये पॉजिटिव चार्ज बेस ने प्रोटॉन लिया था, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा सर, ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ने बनाया था वो क्या करेगा, वापस से प्रोटॉन बेस का ले लिया जाएगा और वहां से वो न्यूट्रल हो जाएगा। एक सेकेंड रुकना जरा, एक सेकेंड, एक तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन शानदार रिएक्शन है। ये प्रोटॉन अगर ले लेगा, तो प्रोटॉन अगर ले लिया उसने, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये OH आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्मल डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मिथाइल है और ये अल्किन, मिथाइल कुछ इस तरीके से रहेगा, ये ई अल्किन एज इट इज रहेगी, ये OH एज इट इज रहेगा। सर यहाँ पे स्टीरियो मेंशन है क्या? नहीं है सर, यहाँ पर दोनों ये OH ही रहेगा और ये मिथाइल ही रहेगा। क्या इनका स्टीरियो मेंशन है? नहीं सर, यहाँ पे स्टीरियो अगर मेंशन नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल बना दिया है सर, और कार्बोनिल के लिए हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं दिया है सर। रिएजेंट चाहिए कि इस और OH को हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो सर बताइए मुझे अलाइलिक OH का ऑक्सीडेशन करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करें? कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम? फैटिजोन रिएजेंट, फैटिजोन्स, फैटिजोन्स रिएजेंट यूज करते हैं। और कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं सर? MnO2, ये लिख लीजिएगा MnO2 और फैटिजोन्स रिएजेंट हम यूज करते हैं इसे कार्बोनिल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए। लेकिन हमें ऑक्सीडेशन वाला पूछा है क्या? नहीं पूछा है सर। यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट बन गया है और ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको सामने एग्जाम में काम में आए, ठीक है। फैटिजोन्स रिएजेंट और MnO2 ये क्या करते हैं, अलाइलिक OH के ऑक्सीडेशन करते हैं, क्लियर? यस सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपको इसको कार्बोनिल अगर बनाना है तो ये ऑप्शन कार्बोनिल का बनाना अगर होगा तो आपको ये दो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। कौन से? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन से होंगे सर? ये वाले दो है, एक ये वाला है फैटिजोन और एक MnO2 है। इन दोनों में से एक कोई भी यूज कीजिए तो आपको इसको कार्बोनिल बना सकते हैं आप, क्लियर? यस सर, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन ये दी है, बताइए इसमें क्या होगा, क्या क्लियर है सबको? यस, वेरी नाइस। एमी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये है कुछ ऐसा, यहाँ पर हीटिंग दी है। देखिए बेटा जी, मैंने एक बात अभी ही बताई थी आपको, बहुत ही बेहतरीन एक बात बताई थी कि यहाँ पर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, या इसे हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, देखिए कुछ भी नहीं करना है सर, 3 3 हीटिंग कंडीशन दी है, मतलब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन करना है, 3 3 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करना है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा सर, जादू, वेरी नाइस, सब लोग बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हैं। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करनी है, मतलब ये जो है 3 वाला कार्बन यहाँ अटैच हो जाएगा
और देखिए बहुत ही थ्री वाला, मतलब यहाँ पे थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं सर? थ्री थ्री कार्बन एटम का बॉन्ड बनाओ, वन वन का बॉन्ड तोड़ो, ये दिमाग में रखो, क्या बताया मैंने? थ्री थ्री का बॉन्ड बनाओ, वन वन का बॉन्ड तोड़ो, तो ये बॉन्ड टूट कर यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, मतलब मिथाइल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा कार्बन आ जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे कार्बोनिल अल्डिहाइड बन जाएगा एक, ठीक है? ये थ्री वाला, ये टू वाला, ये वन वाला, और यहाँ पर थ्री वाला और ये टू वाला, और फिर ये वन वाला डबल बॉन्ड, ये थ्री टू वन, ये थ्री टू वन, देखो थ्री थ्री का बॉन्ड बन गया है सर, और वन वन का बॉन्ड टूट चुका है सर। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको सर? देखिए कैसी है अल्किन, है ये जेड और ई अल्किन कुछ दिख रही है क्या आपको? नहीं सर, ये लास्ट में अल्किन दिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन दिख रहा है सर। क्या ए ऑप्शन बी बनेगा? नहीं सर, ये जेड ई वाला को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। देखिए ये लास्ट में अल्किन है, जेड और ई तो रहता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोटोन तो सेम है सर, क्लियर? तो जेड ई का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए मिथाइल इन्होंने बीच में लगा दिया, मिथाइल थ्री पोजीशन पर है ही नहीं सर, तो मिथाइल यहाँ पे बीच में कैसे लगाया? तो ये ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं सर, और ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बन चुका है। क्लियर है सबको? यस। थ्री थ्री सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यस। क्लियर क्लियर, इजी इजी, इंटरेस्टिंग, यस, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर बताइए, अब ये रिएक्शन आपको दी है, और अगर ये रिएक्शन आपको दी है तो आपको बताना है कि टर्शरी और ये बीआर कैसे एडिशन होगा। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर ये टर्शरी ग्रुप ऐसा रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा, बीआर और बीआर, ठीक है? तो इसका एडिशन कैसे होगा? ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर एडिशन कुछ इस प्रकार होगा। तो बी आर मैंने नीचे से ले लिया क्योंकि ऊपर से कैसा होगा सर, वो बी आर बिलो द प्लेन से ले लिया है, ठीक है? या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाया था, इसके पास लोन पेयर थे, ये ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करेगा, जैसे ही ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा बी आर फिर इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। कहाँ से? हमेशा एक्सियल से अटैक होता है। कहाँ से? एक्सियल से अटैक होता है। और अगर एक्सियल से अटैक हो रहा है, मतलब हमें जहां पर प्रोटॉन एक्सियल होगा ना सर, वहां से अटैक होगा। ये क्या एक्सियल प्रोटॉन यहाँ है? यहाँ है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इसे नीचे लाएंगे, तो अगर हम यहाँ से अटैक कर सकते हैं, और ये इक्विटोरियल एक्सियल होगा, तो यहाँ पर ये दोनों कैसे बनेंगे? एंटी में रहेंगे। कैसे रहेंगे? एंटी में सर, एक रहेगा इधर, एक बी आर इधर आ जाएगा, और एक बी आर कैसे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, क्लियर? एक नीचे चले जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा, क्लियर? यस सर, योगेश घाटोरे, एक्सियल में, वेरी नाइस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? देखिए बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन है, ये बिलो से होगा तो अबाव से अटैक करेगा, तो ये बिलो में चले जाएगा क्योंकि ये बिलो में है। देखिए तो यहाँ से जो अटैक होने वाला है वो अबाव से होने वाला है सर, यस। योगेश योगेश, वेरी नाइस। तो यहाँ से अटैक होगा अबव से, तो ये अबव में आएगा और ये बिलो में आएगा सर, तो कौन सा ऑप्शन? ये वाला। ये कट गए सर, ये कट गए, ये भी कट गए। देखो ये बिलो अबव है, ये अबव वाला है, ये बिलो वाला है, ये बिलो वाला है, और ये भी बिलो है। दोनों बिलो रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सर। ये दोनों अबव रहेंगे क्या सर? नहीं रहेंगे सर। तो यहाँ पे ये एक अबव और बिलो है, ये इक्विटोरियल पे लगा है, लेकिन ऐसा होगा क्या सर? नहीं, ब्रोमोनियम आयन जब बनेगा तो थ्री मेंबर की रिंग जो बनेगी वो सेम साइड से बनेगी, अलग साइड से बन सकती है क्या? नहीं सर, क्लियर? यस। तो यहाँ पे देखिए सर, प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट दिया है, और आपको ये पता करना है O3H2O2 NaIO3 क्या है, CrO3 ग्लेशियल ACOH NaOH दिया है आपको, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दिया है CrO3 ग्लेशियल ACOH और H2O2, और लास्ट में आपको दिया है KMnO4 H2CO Na2CO3 PbOH4 ACOH। तो योगेश जी हमारे सर, बताइए सर जी क्या होगा? बेटा जी बताइए क्या होगा? योगेश, रसिका जी, पायल जी, शिवम जी, इसमें क्या ऑप्शन बनेगा? क्या आपको ये प्रोडक्ट देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये क्या है?
क्या आपको इस प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज अगर होगा तो ये कौन सी रीअरेंजमेंट है, बेंजिल बेंजिल बेंजिलिक बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है सर, रीअरेंजमेंट है बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। कैसा होता है सर, ये कार्बोनिल कार्बोनिल होता है, ये पीएच पीएच ग्रुप होता है और यहाँ पर आपको केओएच या एनओएच बेस दिया जाता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करता है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करता है, ये अटैक करता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन तो है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन्स, नो अल्फा हाइड्रोजन्स, नो अल्फा, नो अल्फा हाइड्रोजन्स ब्रो, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। और ये कौन सी रीअरेंजमेंट है सर, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है, यहाँ पर ओ माइनस और ये कार्बोनिल पर ओ एच आ जाएगा और ये पी एच आ जाएगा। अब ये ओ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ओ नेगेटिव यहाँ पर आएगा, कार्बोनिल वापस बनेगा और यहाँ से पीएच माइग्रेट होकर यहाँ पर अटैक करेगा और ये कुछ इस तरीके से पीएच एक कार्बोनिल पर ओ माइनस और यहाँ पर पीएच लगाया है और यहाँ पर देखिए उम्दा एसिड बन चुका है। अब ये पीएच और एसिड, ये ओएच, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ओ माइनस ओ एच बन चुका है सर। तो यहाँ पर कुछ बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। तो लास्ट में जो ऑप्शन एन ए ओ एच का रहेगा या के ओ एच का रहेगा, वहाँ पर बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पर देखिए एन ए आई एफ फोर नहीं होगा सर ऐसा कुछ, ये ओ एच है सर, ये होगा सर, ये क्या होगा सर, ये ऑप्शन होगा H2SO4 एसिड कंडीशन, हमने कहीं यूज नहीं की है बेंजिल बेंजिलिक एसिड में। ये क्या है सर, ये KMnO4, ये भी ये बनाएगा नहीं CrO3, ये एसिड एसिड बना देंगे। ये O3 क्या करता है सर, इसको ब्रेक करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लाता है, यहाँ पर क्या बनाएगा अल्डिहाइड अल्डिहाइड बना देगा, इसलिए ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं बाद में, ठीक है। फिर वो एसिड बन जाएंगे NaIO4, उसे और ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और ये CrO3 ClO3 ये एसिड बना देंगे और एसिड बनाने के बाद कार्बोनिल कार्बोनिल ये डायोल, यहाँ पर क्या बन जाएगा ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, और यहाँ पर ये एक्चुअली कार्बोनिल और कार्बोनिल यहाँ पे बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, ये CrO3 ग्रेसिल ACOH ये कार्बोनिल बनाएंगे इस पोजिशन पर दोनों, और उसके बाद में यहाँ पर NaOH यूज किया है, तो ये बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट होती है इसके वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बनाने के बाद इन्होंने एसिड किया है तो ये तो होगा नहीं। अब KMnO4 कुछ और ही करता है सर, ऐसे नहीं बनाता है, ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बन गया। अब यहाँ पे क्या है सर, ये है एक मैनेज रिएक्शन, कौन सी मैनेज रिएक्शन है, ये मैनेज रिएक्शन कैसे पहचाना आपने, देखिए मैनेज रिएक्शन है और यहाँ पर एम ई टू सेकेंडरी एन एच दिया है और ये लोन पेयर अटैक करेगा और यहाँ पर ये एच टू ओ निकल जाता है सर यहाँ से, यहाँ पर क्या बनता है, एक आपको रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसा बनता है, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, कैसे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर एम ई ग्रुप, यहाँ पर एम ई ग्रुप, ये अटैक कर कर यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ से सेकेंड पोजिशन कौन सी रहेगी मोर रिएक्टिव सर, फ्लोरीन की, ये किस कौन सा है, फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन की सेकेंड पोजिशन जो है मोर रिएक्टिव होती है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड और फिफ्थ मोर रिएक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड वाली अटैक करेगी सर डायरेक्टली, यहाँ पर अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पर, यहाँ पर न्यूट्रल बन जाएगा तो सेकेंड पोजीशन पर यह पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ऐसा कुछ ग्रुप यहाँ पर आपको मिल जाएगा एमी और यहाँ पर कार्बन और एन एमी ग्रुप मिल जाएगा, क्लियर। एक ही कार्बन रहेगा सर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन बनेगा नहीं सर, ये ऑप्शन बनेगा नहीं सर, क्लियर है सबको, यस सर। देखिए ये आईएफएस के टॉपर्स हैं, रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं तो फटाफट से, और केमिकल काइनेटिक्स के जो बेसिक पार्ट है वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, हाफ लाइफ है, उसके बाद ऑर्डर जो होते हैं डिटर्मिनेशन, सॉरी मॉलिक्युलैरिटी, ऑर्डर डिटर्मिनेशन, जितने सारे मेथड्स है, तो वहाँ से इस वाले टॉपिक से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो चलो, और यस, तो ये हमारा काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन है।
सॉल्व करना स्टार्ट करो, चलो फटाफट से आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए तुरंत। कहाँ गए सब? ठीक है, सो यस, इस क्वेश्चन का आंसर एनीवन, एनीवन, क्या होगा? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर व्हाट? यार चलो यार, सेशन को एकदम मजेदार बनाते हैं, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, क्या कर रहे हो, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। इनिशियली तो बहुत स्टूडेंट्स थे, अभी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो चुका है, फिजिकल देख के ही बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यार, कोई तो बताओ क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? केमिकल काइनेटिक्स के ये जो रेट है, रेट एज वेल एज जो ऑर्डर है, उसके बारे में बातचीत है ये। इफ द यूनिट्स ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट आर, हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी व्हाट? हमें पता है कि nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, फॉर nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, फॉर nth ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज व्हाट, इज इक्वल टू m लिखा जाता है 1 माइनस n इंटू सेकेंड डेज। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। सो हमारे पास गिवन है m 3/2 सेकंड इनवर्स, दैट इज इक्वल टू m रेस टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी कैन से दैट माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस n। तो n को, n को इस तरफ लेके चले आओ, ठीक है, n को इस तरफ लेके चले आओ एंड 3/2 को इस तरफ लेके चले जाओ, That means n is equal to क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 5/2 दैट मीन्स 2.5 है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ये nth ऑर्डर के लिए बोला हम लोगों ने, nth ऑर्डर के लिए बोला, तो nth ऑर्डर के लिए ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली मोहम्मद अमरुल्ला, बिल्कुल सही आंसर। बफरिंग हो रही है क्या? एनी हाउ प्रॉपरली ऑडिबल हूं ना मैं? 2.5 एब्सोल्युटली करेक्ट, 2.5। आगे बढ़े, बताओ ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, समझ में आया, इजी था, क्लियर है क्या? सो आप लोग ऑब्वियसली ये जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के जाना, वहां से क्वेश्चन में कुछ मतलब वहां पे, और इस टॉपिक से क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब आपके लिए, और फंसते भी है यहाँ पे, अच्छे से देखते नहीं है, लेकिन उसी के बाद यस वैष्णव भी बिल्कुल सही, शीतल बिल्कुल सही, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलो, क्लियर, यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए।
यस चलो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर बात किया जाए तो व्हाट विल बी द आंसर, चलो बताओ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे बोला आपने, क्या देख के बोला बताइए। देखो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन, हमें यहां पे क्या नोटिस करना था, ये जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो हमें नोटिस करना था, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो आप बताइए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा। अच्छा मोल इनवर्स लीटर रेस टू दी पावर -2, आई थिंक यहां पे कुछ गलत गिवन है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ओके इट शुड बी प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ये प्लस होना चाहिए था। इसको ऐसे देखो लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स, ठीक है ठीक है। तो फटाफट से बताओ, आप बताओ वही सेम रूल अप्लाई करो जो अभी हम लोगों ने किया था, यही रूल हमें अप्लाई करना था, यही रूल हमें अप्लाई करना था। मोलर इनवर्स, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इज नथिंग बट मोलर। अब यहां पे मोल इनवर्स मोल रेस्ट टू द पावर -2 है इनटू लीटर स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसी का ही स्क्वायर है और -2 है, समझ में आ रहा है। 1 नहीं, देखो ना इनको इक्वल करो -2, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है कि नहीं। इतना टफ नहीं था, ये बहुत इजी था, ये बहुत ही इजी था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा करेक्ट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो होगा, देख लो फटाफट से। अच्छा समझ में आया मुझे, इतना लेट क्यों हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम लैटेंसी जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, इसलिए आपका मैसेज जो है थोड़ा लेट आ रहा है मेरे पास, कोई बात नहीं। चलो 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 कोई बात नहीं, एक बार फटाफट से जरा शेयर कर दो और सेशन को एकदम खतरनाक लेवल पे लेके चले जाओ, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो। कॉन्करेंट व्यूअर्स बहुत कम है, अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, आई डोंट नो क्यू। फिजिकल के क्लास है, फिजिकल के क्वेश्चन से शानदार क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से, मेन बात है कि इजी क्वेश्चन से, टफ क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्टली इमेज सेट पे जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेट और सेट लेवल का, सेट स्पेशली नेट का जो सेक्शन भी है उस लेवल का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो नेट के भी स्टूडेंट्स जो है प्लीज ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, मैं कहूंगा अपने दोस्तों को बुला लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिमिलर तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे, फटाफट से बोलो इस क्वेश्चन का आंसर सही देना होगा। और लाइक्स को हम लोग चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं एटलीस्ट आप लोग 75 तक लेके चलिए, चलो 75 लाइक्स का टारगेट है हमारे, 75 लाइक्स होना चाहिए, है कि नहीं। हर एक स्लाइड में मैं 75 लिखते हुए चलूंगा, 75 लाइक्स हमारा टारगेट हो जाएगा। सर रिपीट प्लीज, कौन सा रिपीट करना है बताओ। देखो सिंपल में तरीके से बताओ, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट है ये गिवन है, ये यूनिट जो है एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा हुआ है मिनट इनवर्स, ठीक है ये अगर है। अच्छा मोलर और मतलब क्या होगा, मोल मतलब, मोलर मतलब क्या है, मोलर मतलब मोल पर लीटर है। अब अगर इसका ही उल्टा कर लेते हैं हम लोग, मोल इनवर्स कर लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीटर पर मोल लिखेंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं लीटर इंटू मोल रेस्ट टू द पावर -2। तो यहाँ पे अगर मोलर की जगह पे -2 से मैं मल्टीप्लाई मतलब -2 लिखू, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल रेस्ट टू द पावर -2। ये चीज समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मोलर का पावर में -2 प्रेजेंट है। और nth ऑर्डर के लिए अभी हम लोगों ने, मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि m रेस्ट टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर nth ऑर्डर। तो nth n ही तो हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट शुड बी द ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, m रेस्ट टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू
इन दोनों को इक्वेट करवाया। इन दोनों को इक्वेट कभी कब हो सकता है, जब इनके जो पावर में प्रेजेंट है वो दोनों सेम हो, पावर में जो प्रेजेंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो, तभी तो ये इक्वल हो सकता है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर लिया, तो यहां से हमारे पास एन का वैल्यू निकल के आ जाते हैं थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। हेलो नुवाई सर, हेलो सर, बच्चों सेशन को आग लगा दो। बिल्कुल सेशन को मत लगाओ, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो हम लोग लेके आए क्वेश्चंस में आग लगा के एकदम तोड़ फोड़ दो। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया ये? दीपक समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 75 लाइक्स एटलीस्ट 75 लाइक्स एटलीस्ट। इनऑर्गेनिक का सेशन नहीं हुआ क्या आज? एकदम स्टार्टिंग में हो गया था, स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक से, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद फिर फिजिकल। स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक से, उसके बाद ऑर्गेनिक और फिर फिजिकल, इसीलिए फिजिकल में बच्चे इतना कम आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड, वेरी 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 गुड ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए कैसे करेक्ट हुआ? सर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। सर ए की लाइक कर सकता हूं, लाइक खुद से ही कर लेता। नहीं, आप अकेले ए की लाइक कर सकते हो मुझे पता है, बट अगर आपको लाइक बढ़ाना है तो थोड़ा बहुत सेशन को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, है ना? कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बट सेशन में जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इसका रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए? के इंटू ये होना चाहिए, रेट लॉ ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू दिस। दैट मीन्स क्या है, 2a है तो a के पावर में स्क्वायर नहीं जाएगा, लेकिन 2 जो है मल्टीप्लाइड होगा विद द k और रेट कांस्टेंट। सो r के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं da by dt और माइनस da by dt इज इक्वल टू 2 इंटू k इंटू a। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग। एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर शीतल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 2k माइनस को इस तरफ लेके आ जाते हैं। ओके ठीक है, तो यहां से माइनस को उस तरफ लेके चलेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद, आफ्टर इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? इंटीग्रेशन आप सब लोगों को आती है मुझे पता है, सब लोगों को इंटीग्रेशन आते हैं अच्छे से। सो आफ्टर इंटीग्रेशन ln a माइनस ln a नॉट, जहां पे ये लिमिट है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2kt, दैट मीन्स ln a क्या हो जाएगा, माइनस 2kt प्लस ln a। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी 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 गुड। चलो देखा 63 लाइक्स तक पहुंचे, 75 लाइक्स में लिखते हुए चल दूंगा। लास्ट मेरा सेशन जब एंड होंगे तब मैं चाहता हूं कि 75 का जो लाइक्स है वो 85 तक चले जाए, लेकिन हाँ और भी बच्चों को जोड़ना है हमारे साथ, शानदार शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए टू एंड बी टू आर रेस्पेक्टिवली। हमें ए एंड बी कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? हमें ए एंड बी कैलकुलेट करना है, ए एंड बी क्या होगा? वन सेकेंड, 75 लाइक्स।
आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन करोगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा एज वेल एज आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। आप लोग वहां से मुझे एनर्जी दोगे, मैं अपना एनर्जी यहाँ पे आपको पढ़ाने में यूज करूंगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा एमएच सेट में, और कहीं से भी नहीं, मतलब इससे इजी भी नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत हार्ड पूछा जा सकता है बट ज्यादा नहीं। बट ये मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड है, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड है। तो क्या होगा बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केमिस्ट्री फीवर, ठीक है देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए आ रहा है सबका। चलो यहां पे कौन सा मेथड यूज करना है कौन बताएगा? यहां पे कौन सा मेथड यूज करना है कौन बताएगा? ओके 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 ओके, ठीक है बहुत सही बहुत सही बहुत सही। आप लोग ऑप्शन ए बोल रहे हो पता नहीं कैसे, बट मुझे तो ऑप्शन दूसरा कुछ आ रहा है। राम कह रहा है कि सी। चलो ठीक है, आइसोलेशन मेथड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो मैं तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाता यहाँ पे, मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कैसे? आइसोलेशन मेथड में अगर मैं ए का कंसेंट्रेशन मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहूंगा, तो जहां पे बी का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है उन दोनों एक्सपेरिमेंट को लूंगा मैं। तो चलो ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के लेता हूं जहां पे ए का कंसेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट, सॉरी बी का कंसेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे ये टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? सर टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सी कहां से, कहां से? ऑप्शन तो मेरे पास जितना दिखाई दे रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर बात करें, ए इज फाउंड टू बी वन, क्योंकि सर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है वन से यहाँ पे टू टाइम्स इंक्रीज होने से रेट भी टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा वन। सिमिलर तरीके बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट देखना है, यहाँ पे ए का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे बी का कंसेंट्रेशन टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड में बी का कंसेंट्रेशन टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसके वजह से रेट कितना इंक्रीज हो रहा है? सर टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, यस सबको क्लियर है। सर बी का रेस्पेक्ट में भी ये तो वन ही आ रहा है, टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, टू टाइम्स रेट का इंक्रीज होना। सर ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं तो इसी तरीके से करता हूं भाई, इनिशियल रेट मेथड जो है वो हमें यूज करूंगा विद इन दिस आइसोलेशन मेथड्स। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कंसेंट्रेशन का चेंज हो रहा है और कहाँ कहाँ कंसेंट्रेशन इज फिक्स्ड। सो दो अगर हमारे पास दो या तीन या चार या जितने भी रिएक्टेंट्स है, हर एक रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में इजिली कैलकुलेट कर पाऊंगा, और इजिली कैलकुलेट करने का तरीका है ये। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, सो ओवरऑल ऑर्डर बताओ जरा कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा फटाफट से बताओ। सर ओवरऑल ऑर्डर हो जाना चाहिए टू, है ना, ओवरऑल ऑर्डर हो जाना चाहिए टू। चलो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, इसी बात पे और एक बार शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये सबको क्लियर हुआ? जो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी नहीं होगा, ए के रेस्पेक्ट में सी नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? टू, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन है। सर द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिएक्शन आर इज इक्वल टू 70 सेकेंड्स। मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ गिवेन है, दैट इज टी हाफ इज गिवेन एज 0.693/k इज इक्वल टू 70। सर यहां से हमें क्या मिलेगा? k का वैल्यू मिलेगा,
दैट इज 0.693 बाई के बाय 70, वो भी सेकेंड्स में है। उसके बाद क्या करना है, इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द आर वॉज 1 मोलर, द कंसेंट्रेशन ऑफ आर आफ्टर 35 सेकेंड्स। सो आपके पास टी गिवेन है, क्या गिवेन है आपके पास, टी गिवेन है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, किसी ने आंसर किया है क्या, नहीं, चलो ठीक है आ जाएगा आंसर, मुझे पता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 71 तक पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है 85 टारगेट देना चाहिए था। ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, सबका ऑप्शन डी आ रहा है। सर हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना था, उसके बाद ना ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर लो, आर नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के इनटू टी, क्या हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 0.3965, आई थिंक इसका वैल्यू आएगा 0.3965 के आसपास। ऑप्शन डी आ रहा है सबका, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको आर नॉट क्या लिखना था, 1 लिखना था, ई रेस्ट टू द पावर माइनस 0.3965, बस ये अगर हम लोग कर लेंगे तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ 0.71 मोलर, वी विल हैव द वैल्यू 0.71 मोलर। यस, किसी को कुछ डाउट है इसमें, एनी डाउट एनी वन, बताओ जरा इस कैलकुलेशन में, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है। बट मैं ज़्यादा से मतलब मैंने कोशिश किया कि जितना कम हो सकता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े यहाँ पे, बट थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। सर इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, रेट कॉन्स्टेंट गिवेन है, इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.250 मोल, देन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कन्वर्जन इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अरे सर आप कह रहे हो इजी क्वेश्चन है, अरे मैं कह रहा हूँ ना इजी क्वेश्चन है, तो एक्चुअल में ये इजी क्वेश्चन है। चलो 75 फिर से एक बार लिखूंगा, फिर देखना, जैसे 75 लिखूंगा तुरंत लाइक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा तो प्यार दिखाना चाहिए मुझे, आप लोग थोड़ा प्यार दिखाओ यार, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री नाम सुन के ही लोग ना डर जाते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है वो तो कुछ नहीं आएगा, पर थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा तभी आ जाएगा। आंसर यस बिल्कुल सही, क्वेश्चन जो है 0 ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो बताओ सॉल्व करो फटाफट से, केमिस्ट्री लावा, आपने बिल्कुल सही बोला, इट इज फ्रॉम 0 ऑर्डर रिएक्शन, इट इज ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, दैट मीन्स मोल पर लीटर विच इज नथिंग बट मोलर, एंड 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट जो है वो रेट का रेट कॉन्स्टेंट के साथ एग्जैक्टली इक्वल है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट है वो एग्जैक्टली रेट के यूनिट के साथ इक्वल है। सॉल्व करो सॉल्व करो, कितना टाइम ले रहे हो, सॉल्व करो। कितना टाइम लगेगा कंप्लीट कन्वर्जन होने के लिए, कौन से वाले इक्वेशन यूज कर रहे हो, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा कि कंप्लीशन,
इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के, ए नॉट बाय के, ठीक है। पेन बुक नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है चलेगा। इस वाली इक्वेशन को यूज करना है सर, ये कहां से आया, टू टाइम्स ऑफ टी हब जो है, दैट मीन्स टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टू के, ये टू टाइम्स ऑफ टी हाफ जो है वो हमें कंप्लीशन टाइम देते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये चीज समझ में आया है क्या, इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑप्शन सी इतना लंबा तो नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, अब गलत कर रहे हो कुछ ना कुछ, टू टू के कैंसिल कर दो, ए नॉट का वैल्यू है 0.02.250 मोलर डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू, देखो 10^-4 है, 10^-4 ऊपर जाएगा, और आई वुड से ओके 10^5 कर लेते हैं यहां से 2.5, इसको ना हम लोग कैसे, देखो इसके लिए आपको पेन बुक की जरूरत भी नहीं है, यस बी आ रहा है किसी का 2000 तो नहीं आना चाहिए, 1.25 आपने ये वाला इक्वेशन भी यूज करके देख सकते हो, ए इज मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टाइम जो है ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के, यहां से ए नॉट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, दैट मींस ए नॉट बाय के, अच्छा एक ही तो आएगा इक्वेशन, सो ए नॉट का वैल्यू 0.250 गिवन है एंड दिस इज गिवन एज दिस मच, सो मुझे तो नन ऑफ द अबव आ रहा है, यहां पे कोई भी पॉसिबल नहीं है, यहां पे कोई भी पॉसिबल नहीं है, कितना आएगा देख लेते हैं ना, हम लोग भी देख लेते हैं, चलो मैं भी देख लेता हूं एक बार, ओके 2000 आ रहा है क्या, 2000 आ रहा है क्या, बी आ रहा है ना, राइट राइट राइट, अच्छा हाँ मैंने यहां पे क्या क्या गलतियां किए हैं भाई साहब, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, टू तो ऊपर आएगा, टू इंटू समथिंग, अरे ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, वेरी सॉरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी आएगा, यस यस यस, मैंने ऑप्शन बी बहुत गलत किया, मैंने यहां से कहेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो
यहाँ पे आ जाएगा 10 देन 3 यस। अरे यार मैं क्या क्या गलतियां कर रहा था, बहुत बहुत बेकार गलतियां किया मैंने। यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये मैंने लिखना चाह रहा था, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, इसको 2 हो जाएगा और ये 10 रेस्ट टू द माइनस 4 इंटू 10 तो होगा हमारे पास 10 रेस्ट टू द माइनस 3 जो ऊपर चले जाके ये हो जाएगा, दैट मीन्स 2000। बहुत गलती किया मैंने, बहुत बड़ी गलती किया मैंने। ठीक है ये आ जाएगा अरविंद कुमार, यस 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 राइट। दिस इज इसको कहते हैं लापरवाही का नतीजा। चलो ठीक है इसके चक्कर में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो थोड़ा सा। ऑप्शन ए आ रहा है किसी का, थोड़ा सा सही से करो शीतल जी, थोड़ा सा सही से करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, व्हेन द रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस एज कांस्टेंट प्रेशर एट 300 केल्विन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 250 सेकेंड्स। पहली बात तो ये बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन हेयर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन हेयर, कितने लोग यहां पे कंसंट्रेशन में 0.1 मोल को कंसीडर किए हो, अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन को जो कन्वर्ट नहीं किया n बाई वी से तो कैसे चलेगा, 0.1 मोल डिवाइडेड बाई 2 लीटर, 0.1 मोल डिवाइडेड बाई 2 लीटर है कि नहीं, है कि नहीं, 0.1 मोल ऑफ ए इन 2 लीटर वेसल, दैट मीन्स आपके पास ये आएगा पॉइंट्स दिस मच मोलर। ये जो मोलर है इसको हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 2.77 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 इंटू 250। सॉल्व करके देखना एक मिनट
कहीं ना कहीं तो गलतियां की होंगी आपने। मेरा तो वैल्यू जो आएगा वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। सही से एक बार देखना, कंसंट्रेशन जो होगा 0.1 मोल इन अ 2 लीटर वेसल, तो हमारे पास 0.05 मोलर हो जाएगा कंसंट्रेशन उसका, ठीक है। मोल पाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है, मोल बाई वॉल्यूम, यहां से हमारे पास आएगा दिस मच एंड बाकी आपको वैल्यू यहां पे पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा करेक्ट। एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से बोलो, तुरंत बोलो फटाफट से, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से विद रिस्पेक्ट टू बोथ ए एंड बी, द रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 20 मिनट्स व्हेन पीए इज दिस मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 3/4 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। देखो इसमें एक ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, फ्रैक्शन रिमेनिंग वर्सेस टाइम, इसके लिए एक रिलेशन निकालते हैं। कैसे कि अगर टी 1/n फ्रैक्शन बचा हुआ है That is equal to t 1/n fraction बचा हुआ है, that is equal to, मतलब 1/n fraction अगर remaining है, 1/n fraction remaining है, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं ln n divided by k, that is the concept behind this. अब देखो t half given है मतलब b ही answer आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, b ही answer आना चाहिए। टी हाफ के केस में हम लोग लिखते हैं ना ln 2 by k, दिस इज द टी हाफ, दैट मीन्स आधा पोर्शन रिमेनिंग है और आधा रिएक्ट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे 3/4 कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना होगा 1/4 होगा, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ln 4 by k, 80 मिनट। कैसे सॉल्व किया आपने देखो, ये हम लोग लिख सकते हैं है कि नहीं, अगर 1/4 पोर्शन रिमेनिंग है तो हम लोग लिख सकते ln 4 by k, so that is equal to 2 into ln 2 by k, 2 ln 2 by k। अच्छा 2 इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 मिनट्स, ठीक है। दैट मीन्स t 1/4 होने में रिमेनिंग जो पार्ट है, पार्ट बचा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 3/4 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स जहां पे 1/4 रिमेनिंग रहेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, इसका वैल्यू 20 है तो दैट इज इक्वल टू 40 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 40 मिनट्स, ठीक है। देख लो एक बार इसको अच्छे से, आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। सी आ रहा है आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, शानदार, लाजवाब। चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओके, लॉग ए वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत शानदार और सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बताना चाहिए है कि नहीं। आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, एक लाइक बचा हुआ है 75 तक पहुंचने के लिए, वन सेकेंड 75 लाइक्स,
75 पहुंचना है हमें 75 पे। चलो कोई तो पहुंचा दो। लाइक्स पहुंचाने के लिए इसको शेयर करना पड़ेगा। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, किसी ने आंसर दिया है क्या भाई? इसका भी सिंपल आंसर है। अब एलेन का सोच के देखो, एलेन ए इज इक्वल टू एलेन ए नॉट माइनस के इन टू टी। एलेन को अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग ए आ जाएगा, और वी कैन से दैट के बाई 2.303 इंटू टी। तो इस ग्राफ का ठीक है, अच्छा मेरे पीछे छुप जा रहा है क्या? देखो इस तरफ टाइम है, इस तरफ लॉग ए है, तो हमें ऐसा मिलेगा माइनस के बाई दिस। सो दिस इज द स्लोप। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। चलो 75 लाइक्स हो गए हैं और वी विल टेक द सेशन टिल 15 मिनट्स। आई वुड से 15 भी नहीं है, 10-12 मिनट ही बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस कैन बी रिटन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, कैन हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड और कैन नॉट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। व्हिच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन फॉर दिस केस? यस, पिछले क्वेश्चन का आंसर बी आएगा, बिल्कुल सही। लाइक 76 पार कर चुके हैं, दैट मीन्स हम लोग 80 लाइक्स के तक जा रहे हैं, 80 लाइक्स पहुंच जाएंगे, है ना? 80 लाइक्स पहुंच जाना चाहिए। लेकिन 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 सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। स्टूडेंट्स कहाँ गए सब? इमेज सेट है, सेट के पीवाईक्यूज सारे सॉल्व कर चुके हो आप लोग? बताना जरा, सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर चुके हो आप लोग? इसका ऑप्शन आएगा सी, वेरी गुड, वेरी गुड। एमिथ सेट के पीवाई क्यू सॉल्व कर चुके हो? जी हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा, बट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट मॉलिक्युलरिटी कर सकते हैं। एंड ये तो एक्सपेरिमेंटल ही फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो ऑर्डर जो है दैट इज नथिंग बट द इंपेरिकल पैरामीटर। सो ऑब्वियसली इट इज डिटरमाइंड ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना जरा। द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, टी हाफ गिवेन है हमारे पास 2768 ईयर्स, और इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर दिस मच ईयर्स इज दिस। इसका सिंपल जो फॉर्मूला है मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू आर नॉट रेस्ट टू द पावर डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर एन। एन जहां पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्पेंट, इसका मतलब क्या है? एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्पेंड। तो जितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्पेंड करता हुआ चलेगा उतना ज्यादा इनिशियली जो आर नॉट था, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद देखो ये सीरीज कैसे आया है, फर्स्ट हाफ ये पहला हाफ लाइफ के बाद आएगा, फिर अगर दूसरा कोई हाफ लाइफ ये कवर करता है सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन कितना बचेगा? 2 रेस्ट टू द पावर आर नॉट बाई 2 आर नॉट बाई 4। तीसरा टी हाफ के बाद ये बचता है कितना? आर नॉट बाई 8। तो अल्टीमेटली ये 2 रेस्ट टू द पावर एन के पावर में ये चलते रहते हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बताना जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एन का वैल्यू कैसे निकालोगे? सर 2768 से हम लोग डिवाइड कर देते, ये हमारा हाफ लाइफ वैल्यू है, और इतने सालों दबहर ये दैट मीन्स इतने सालों में कितना हाफ लाइफ इन्होंने कवर किया है? तो आप बोलोगे कि सर इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 4 into 8 32,
24, 27. Okay, yes. Then we have 2, 80, 30. Yes, definitely. N is equal to 4 है. So, R का value कितना होगा? R naught का value कितना होगा? यहाँ पे R का value given है, that is this much. If the concentration after this years is this, so 0.216 is equal to, or into 2 raised to the power 4, that is equal to R naught. That means initial concentration कितना था? 8 से अगर multiply करोगे, 8 2 जा 16. ओके सॉरी 8 कह रहा हूं 16 30 ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यस कोमल गुड आफ्टरनून काफी लेट आप ज्वाइन हुए तो फटाफट से 80 लाइक्स कर दो हो जाना चाहिए मैंने जब स्टार्ट किया था 57 से स्टार्ट किया था 30 लाइक्स तक तो जाना चाहिए था बट चलो ठीक है 30 नहीं जाए फिर भी एटलीस्ट 20 के ऊपर तो चला जाना चाहिए था इनिशियली अगर मैं देखा जाए तो हर एक का एवरेज कितना जा रहा है 25 करके 50 ठीक है 80 लाइक्स तक तो चला लेके जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो शानदार क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है 75% of our first order reactions was completed in 64 minutes. Then the half life of the reactions will be likes 85 तक जाएगा 85 तक लेके जाओगे चलो देखते हैं थोड़ा सा ही बचा है बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी आया है वेरी गुड सर आपने कुछ देर पहले बोला था कि फ्रैक्शन ऑफ द टाइम और फ्रैक्शन रिमेनिंग दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम के साथ और वर्सेस टाइम के साथ जो करते हैं हम लोग तो टी 75% रिएक्शन कंप्लीटेड है दैट मींस रिमेनिंग कितना है 25% मतलब कितना फ्रैक्शन 1/4 सो टी 1/4 इज इक्वल टू ln क्या करेंगे ln 4/k लिखेंगे सर इसका वैल्यू है 64 तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सर ये तो हमारा t half इज इक्वल टू 64/2 यहां पे हमें हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शंस पूछा गया है दैट इज इक्वल टू 32 तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपने बेल आइकन नहीं दबाया क्या You have to, यहाँ पे जो ड्रिंग वाला बटन है ना ऐसे वाला उस बेल आइकन को लगा के रखिए उसको प्रेस करके रखिए तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दिखाई दे रहा है आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखिए तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा हमेशा और एक नहीं और 7 लाइक आना चाहिए तो ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको 32 होगा इसका आंसर 32 होगा इसका आंसर बताओ इज इट क्लियर एवरीवन ये क्या चल रहा है यहाँ पे 78 79 कुछ मैथ चल रहा है क्या 80 हो गया क्लियर वेरी गुड इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आंसर एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप 9 AM से ऑनलाइन हो देखो सोचो इनको ठीक है ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग एंड पे ज्यादा टाइम नहीं बचा है हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए एंड पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोला गया 30% कंप्लीशन के लिए 120 मिनट लगता है तो How long after the start of the reactions will 60 remain unreacted? 60% unreacted रहेगा. That means 40% complete होगा. कितना time लगेगा? कौन बताएगा इसको answer? ये भी एक trick के साथ हो जाते हैं. 30% complete होने में 120 minute लगेगा.
60% रिमेनिंग अनरिएक्टेड, इसका मतलब क्या है, मतलब 40% रिमेनिंग, 40% कंप्लीट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 40/30, ठीक है, 160 मिनट्स हमारे लिए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा क्या होगा। राइट ये आ रहा है, कैसे सॉल्व किया सर, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ए नॉट माइनस ए बाय टी इक्वल टू के, और ए नॉट क्या हो जाएगा, ए प्लस के टी, तो हमारे पास ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.05 प्लस के कितना गिवन है 0.2 एंड यहाँ पे हाफ एन आवर बोला गया है, हाफ एन आवर मतलब इसको हम लोग 0.5 कंसीडर कर लेते हैं, आवर में कंसीडर कर लेते हैं 0.5, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा, या का वैल्यू हो जाएगा पॉइंट, वैल्यू जो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 0.05 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.15, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, बताओ जरा क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, गौरव तिवारी ऑप्शन बी बोला है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आप लोग लाइक्स करना बंद कर दिए, मैंने बोला था 85 तक पहुंचना है हमें लाइक्स को लेके, आप लोगों ने 80 तक लेके गए फिर हमें धकेल दिए पीछे, दिस इज नॉट गुड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, लास्ट एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं, लास्ट एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं, नए जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहा है प्लीज फटाफट से एक बार लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ,
The half-life for the hydrolysis of an ester varies with the initial concentration of the reactant E0 as follows. ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, इसने तो फटाफट जवाब दे दिया है. सेकेंड ऑर्डर बिल्कुल सही, आपने कैसे देख के बोला इसको, देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है. इनिशियल कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है. यूजुअली ये सेकेंड ऑर्डर के लिए देखा जाता है. नहीं नहीं नहीं, टी हाफ जो है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई ए और 1 बाई ए नॉट. ठीक है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इवन अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो. n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ आर वन बाई आर टू. ये वाला इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करके देखना, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा आंसर. तो जितने भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो एज वेल एज शेयर कर दो. और आज हमारा लास्ट ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा. जीरो ऑर्डर नहीं है ये, फर्स्ट ऑर्डर होगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर होगा. ठीक है, देख लेना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है तो फटाफट से. चलो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क ले लो, दिस शुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, फटाफट से इसको कर दो. तो आज का सेशन को हम लोग यहां पे रोकते हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, फटाफट से कर लेना कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस होना चाहिए. एंड बाकी प्रैक्टिस करना है आपको हमारे इमेज सेट फॉर फ्री. आप इजीली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आप सारी चीजें दिख जाएगा. एंड ये सारे टॉपर्स का लिस्ट है. एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. एंड हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईएफएएस. कैसे हैं तुम सर्व? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन. गाइस एमएच सेट 2024 ला टारगेट करता है, तर तुमच्या एग्जामिनेशन साठी तुमच्याकडे फक्त 7 ते 8 दिवस आहेत. 7 एप्रिलला आपली एक्झामिनेशन होणार आहे, तर ह्या एक्झामिनेशनला आणखी बेटर बनवण्यासाठी, तुमचं प्रिपरेशन आणखी बेटर बनवण्यासाठी आयएफएसने तुमच्या सर्वांसाठी एक खूप छान अपॉर्च्युनिटी आणली आहे, ज्या अपॉर्च्युनिटीनं तुमचं इथं प्रिपरेशन आणखी बेटर होणार आहे. तर गाईज ही अपॉर्च्युनिटी एकदम पॉकेट फ्रेंडली प्राईजमध्ये आहे. आजकाल तर चॉकलेट पण 1 रुपयामध्ये मिळत नाही आणि तुमचं प्रिपरेशन इथं बेटर होत आहे 1 रुपयामध्ये. तर गाईज टेस्ट सिरीज आहे एमएचसेट 2024 साठी ऍडजस्ट रुपीज 1 ओनली, फक्त 1 रुपयामध्ये ही टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहे तुम्हा सर्वांसाठी. तर आत्ताच तुम्ही ifasonline.com आमच्या ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट करा तुमचं प्रिपरेशन आणखी बेटर बनवण्यासाठी. कारण ह्या लास्टच्या वेळी, ह्या काही दिवसांमध्ये, शेवटच्या दिवसांमध्ये एक्झामच्या, तुमच्यासाठी फक्त प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिस महत्त्वाची आहे. तर ह्या टेस्ट सिरीजनं तुमची प्रॅक्टिस होणार आहे, तर तुम्हाला इथे जरूर ह्या टेस्ट सिरीजला परचेस करायचं आहे फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाईट ifasonline.com. आत्ताच व्हिजिट करा, रजिस्टर करा आणि ह्या टेस्ट सिरीजसाठी एनरोल करा. आणि ही टेस्ट सिरीज तुम्हाला फक्त 1 रुपयांमध्ये मिळणार आहे. तर एमएचसेटचं प्रिपरेशन साठी आयएफएस म्हणजे महाराष्ट्राचा विश्वास झाला इथे. आणि हे प्रिपरेशन तुमचं होणार आहे आणखी बेटर. गाईज तुम्ही पण ह्या टॉपर्सच्या जागी तुमचा फोटो पाहू शकता. तुम्ही ह्या टेस्ट सिरीजसाठी जरूर एनरोल करा आणि अपकमिंग एक्झामिनेशनसाठी प्रिपेअर करा. ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम्स प्रिपरेशन. तुम्हाला ह्या रिगार्डिंग काहीही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर विचारू शकता. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट.